सबसे पहले है फूड प्रिजर्वेटिव। देखो हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं, ताकि उसको हम खा सकें। अब फूड प्रिजर्व है तो उसको परोसो, है ना, खाना है तो उसको परोसो। तो प्रो से याद आएगा हमें प्रोपेनोइक एसिड, और सो से हमें दो याद आएंगे, सोर्बिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। ये अपने फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट अपनी ट्रिक है एनल्जेसिक्स के लिए। देखो एनल्जेसिक्स दो टाइप के होते हैं, नार्कोटिक जो कि एडिक्टिव यानी जिनकी लत लग जाती है, दूसरे होते हैं नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव जिनकी लत नहीं लगती। तो इनकी ट्रिक कैसे है, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। नरेंद्र मोदी NM यानी नरेंद्र मोदी पान PAN पान N से नहीं खाते। नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते, N से नार्कोटिक M से मोरफिन, और यहां पे अपना बैरियर आ गया। मतलब नार्कोटिक कौन सी है, मोरफिन है, और PANN मतलब पान नहीं खाते मतलब P से पैरासिटामोल, A से एस्पिरिन, NN से नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक कौन सी हो जाएगी, पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन। ठीक है, नार्कोटिक मोरफिन और नॉन नार्कोटिक पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन, बिल्कुल ही बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखो ये अपना दिया हुआ है कि नोरेंथीड्रोन ओनली क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है, और इथाइनल एस्ट्राडायोल में प्रोजेस्ट्रोन भी और प्लस एस्ट्रोजन भी। ठीक है, मतलब यहां पे एक है, एक मतलब वन है, तो वन इसके नाम में आ रहा है, और यहां पे दो है तो दो के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डाई, डाई मतलब दो, तो डाई से दो और वन से मतलब वन मतलब अकेला है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है एंटीबायोटिक्स के लिए। देखो एंटीबायोटिक्स कौन से, अपने बैक्टीरियोस्टेटिक बैक्टीरियोसाइडल। अब आपको बोलना चाहिए कि स्टेटिक की स्पेलिंग तूने ऐसे क्यों लिखी है, TECTIC आना चाहिए, बट आज के बाद आपको बैक्टीरियोस्टेटिक की ये वाली स्पेलिंग याद रखनी है। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टेटिक के लास्ट के तीन लेटर उठा लो, और यहां से भी लास्ट के तीन लेटर उठा लो। ठीक है, तो इसके तो लास्ट के तीन लेटर TECTIC को डायरेक्ट लिखा, तो टी से टेट्रासाइक्लिन, ई से एरिथ्रोमाइसिन, सी से क्लोरामफेनिकोल, और इधर लास्ट के तीन लेटर उठाए तो बना दाल। अब दाल हमें दुकान से लानी है, कितनी लानी है, पाव लानी है, एक पाव बोलते हैं ना, एक पाव, दो पाव, तीन पाव, तो एक पाव दाल लानी है, PAO मतलब पाव, दाल लानी है एक पाव दुकान से। ठीक है, तो पी से पेनिसिलिन, ए से क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और ओ से ओफ्लोजेसिन। ठीक है, क्लियर है। अब एंटीबायोटिक्स में ही ये याद रखना मोटा मोटा कि पेनिसिलिन जो है ना NCERT में जो दी हुई है, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम है, बाकी मेनली अपनी सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये डाइसिन डाइजरीन ये कैंसर के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है डिटर्जेंट्स के लिए। देखो डिटर्जेंट्स अपने तीन टाइप के होते हैं, अनायनिक, कटायनिक एंड नॉन आयनिक। बारी बारी से करेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। सबसे पहली अपनी ट्रिक है अनायनिक के लिए। देखो जिंदगी में कभी निराशा के साथ नहीं रहना, हमेशा आशा, है ना, आशावादी रहना, है ना, कि करेंगे करेंगे सब कुछ करेंगे सब कुछ करेंगे। निराशा नहीं, आशा होनी चाहिए। आशा मतलब ASSA, आशा ASSA। तो अनायनिक ए से याद आए कि ये ट्रिक है अनायनिक डिटर्जेंट के लिए। अब एस से देखो, ये एस का कमाल देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल। मतलब अनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल होते हैं, जाके NCERT चेक करो। नेक्स्ट अपनी ट्रिक किसके लिए है, कटायनिक के लिए है। कटायनिक में देखो क्या आ रहा है, कैट आ रहा है। अब कैट का एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है ना, कैट का एग्जाम होता है ना, MBA के लिए होता है शायद, MBA के लिए तो एग्जाम है, कैट का एग्जाम है। तो एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो क्यू से याद आएगा क्वार्टनरी, ए से अमोनियम सोल्ट। तो कटायनिक डिटर्जेंट होते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट, सिंपल है। नेक्स्ट है अपना नॉन आयनिक। नेक्स्ट है अपना नॉन आयनिक। नॉन मतलब जो कुछ नहीं करता, नॉन मतलब जो कुछ नहीं करता। अब जो इंसान लाइफ में कुछ नहीं करता तो उसको थक हार के अल्कोहल का ही सेवन करना पड़ेगा, अल्कोहल का सेवन करना पड़ेगा, है ना। तो अल्कोहल से क्या याद आएगा अपने को, पॉली इथाइनिल ग्लाइकोल, है ना। देखो ग्लाइकोल मतलब ये अल्कोहल है, याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है जो इस चैप्टर की सबसे मुश्किल चीजें हैं, वो है ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक अपनी ये वाली है। देखो जिंदगी में आप देखोगे ना, जो माँ है ना, माँ मतलब मदर, माँ मतलब मदर, उसकी क्या है, उसकी फीलिंग्स हमेशा सेम रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई या बहन कुछ भी कर जाए, है ना, आपसे ज्यादा कर जाए, पर माँ की जो फीलिंग है वो हमेशा सेम रहती है। मतलब वो जो भी घर में चीज आएगी उसको इक्वल शेयर करेगी। मतलब क्या है, माँ कभी भेदभाव नहीं करती,
वो हमेशा इक्वल शेयरिंग करती है। तो इक्वल शेयरिंग वाली कौन होती है? माँ। इक्वल शेयरिंग वाली कौन होती है? माँ। इक्वल से इक्वानिल, शेयरिंग से सीरोटोनिन, वाली से वैलियम, माँ से मैप्रोबामेट। ये थी अपनी ट्रांकुलाइजर की पहली ट्रिक। सेकंड अपनी ट्रिक है ट्रांकुलाइजर की, ये दिया की स्टोरी है। दिया किसी लड़की का नाम है, वो कहां पढ़ती थी? सेकंड ईयर में पढ़ती थी। अब सेकंड ईयर में क्या हुआ, उसके नंबर है ना, जो पेपर में मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वो बहुत कम आए, बहुत कम मतलब वेरी लो आए। तो वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि उसने अटेम्प्ट किया, उसने फिनाइल पी लिया, उसने फिनाइल को अटेम्प्ट किया, मतलब समझ रहे हो ना, फिनाइल पीने की कोशिश की। तो नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर वाज वेरी लो, नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर वाज वेरी लो, वेरी लो, है ना। तो शी अटेम्प्टेड फिनाइल, शी अटेम्प्टेड फिनाइल, नंबर से याद आएगा निम्बुटल, दिया से याद आएगा, देखो ये यहां पे दिया है, ये वाला याद आ जाएगा, इन से याद आएगा इप्रोनियाजिद, सेकंड से याद आएगा सेकोनल, वेरी से वीरोनल, लो से ल्यूमिनल, अटेम्प्टेड से अमाइटल, फिनाइल से फिनलजीन। अब हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। देखो जो एंटीसेप्टिक होती है ना, वो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज होती है, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे यूज होगी, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। एंटीसेप्टिक लिविंग के लिए, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे हाथ पे अगर चोट लग जाती है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एंटीसेप्टिक कौन सी? फ्यूराजीन होती है, सोफ्रामाइसिन, बिथियोनल, आयोडोफोम, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वीक एंटीसेप्टिक फॉर आईज, आंखों के लिए, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत कॉमन सी चीजें हैं जिसमें सीन सीन आ जाए, सीन सीन, है ना, बिथियोनल, और क्या है अपने आयोडोफोम, आयोडीन वाले सारे एंटीसेप्टिक में आ जाएंगे ये सब चीजें। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो नॉन लिविंग पे, फॉर एग्जांपल मान लो हम घर में जो पोछा लगाते हैं तो पोछे के पानी में वो डालते हैं ना लिक्विड सा, जो भी टीवी में एड भी आती है कि फर्श को साफ करने के लिए, वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, है ना। 1% फिनोल इसका एग्जांपल है, क्लोरीन इतनी कंसंट्रेशन में, सल्फर डाइऑक्साइड, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपने सुना है कभी कि किसी को चोट लगी क्लोरीन डाल दी या सल्फर डाइऑक्साइड डाल दी, कभी सुना है? नहीं सुना। और फिनोल है ना, जो 1% पे डिसइंफेक्टेंट है, बट इसकी बहुत कम कंसंट्रेशन कर दे तो ये एंटीसेप्टिक बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में कौन से अपने पास? एस्पर्टेम है, सैकेरिन है, सुक्रोलोज है, एलिटेम है, ठीक है। अब इनको कैसे याद करें? देखो, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पर्टेम, इसको कैसे याद करना है? देखो, इसका पहला पॉइंट तो यही है कि ये 100 times केन शुगर के कंपेरिजन में ये 100 times ज्यादा स्वीट होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, इसका ए एस ये उठा लेना, ए एस है ना, एस। अब मैं तो ऐसे करता कि आइसक्रीम है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आइसक्रीम, उसको ऐसे बोलो आइसक्रीम, तो आइसक्रीम से याद आ जाएगा एस्पर्टेम। आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम मतलब ये कोल्ड फूड है ना, आइसक्रीम से याद आ जाएगा कि ये कोल्ड फूड में यूज होता है, ठीक है। अब एस्पर्टेम के बाद क्या है? सैकेरिन। सैकेरिन देखो, नॉर्मली क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है ना, बॉडी को नुकसान देते हैं, नुकसान ही देते हैं यार, शुगर खाएंगे तो नुकसान ही देगी, है ना। पर ये फिर भी एक अच्छा वेरिएंट है, कंपैरिजन में बात की जाए अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, तो ये एक अच्छा वेरिएंट है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत सच्चा है। देखो, इसके नाम में आ रहा है सैकेरिन, देखो नाम में आ रहा है सच्चा, ये बहुत सच्चा है। सच्चा क्यों है? क्योंकि ये इंसानों के लिए, यूज के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता बेचारा, और ये डायबिटीज में भी यूज हो सकता है, और ये कैलोरी कंट्रोल में भी यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सुक्रोलोज है, ठीक है। देखो, इसका पहला पॉइंट तो ये है कि सुक्रोलोज जो है वो नॉर्मल जो अपनी केन शुगर होती है उससे 600 गुना ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुक्रोलोज इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ठीक है। देखो, इसको बिल्कुल भी याद मत करो, बिल्कुल भी याद मत करो, सुक्रोलोज के नाम को फील करके देखो। देखो, सुक्रोलोज की सुक्रोज प्लस क्लोरीन से मिलके बना है सुक्रोलोज, तो सिंपली हो गया ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। अब नेक्स्ट है स्टेबल एट कुकिंग टेंपरेचर। देखो, इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। देखो, हम मान लो घर में खीर बना रहे हैं ना, आग के ऊपर हम खीर बना रहे हैं, या हम गैस जला के क्या बना रहे हैं, कुकिंग टेंपरेचर की बात कर रहा हूं, कुकिंग टेंपरेचर पे हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मीठी मीठी डिश बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या डालते हैं? हम उसमें चीनी डालते हैं, और चीनी में क्या है अपना सुक्रोज है ना। तो हमें अगर पता चल गया कि हम घर में क्या है सुक्रोज यूज करते हैं नॉर्मल कुकिंग टेंपरेचर पे, है ना, तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है जो कुकिंग टेंपरेचर पे यूज होगा, तो सिंपली है सुक्रोज। अगर हम कुकिंग टेंपरेचर पे यूज करते हैं तो सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है? अभी-अभी हमने किया, सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है? सुक्रोलोज। तो इसमें कुछ याद ही नहीं किया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिटेम। नेक्स्ट है एलिटेम, ठीक है। इसकी नॉर्मल केन शुगर से कितनी ज्यादा मिठास है? 2000 times ज्यादा, ठीक है। और इसमें कुछ भी याद नहीं करना। देखो, एलिटेम यानी ऑल टाइम,
वैली टेम यानी ऑल टाइम नाम में ही छुपा हुआ है, ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है ना, ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है। देखो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी स्वीटनेस जो है अनकंट्रोलेबल होती है ना, कंट्रोल नहीं होती। देखो अब पॉलीमर्स को चार बेसिस पे डिवाइड किया गया है। कौन से चार बेसिस हैं? एक है अपना सोर्स के बेस पे, एक अपना क्या है स्ट्रक्चर के बेस पे, और एक अपना क्या है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे, और फोर्थ कौन सा है पॉलीमराइजेशन मोड के बेस पे। ठीक है, चार बेसिस पे डिवाइड किया गया। अब बारी बारी से देखते हैं। देखिए सोर्स के बेस पे कौन से पॉलीमर हो जाएंगे अपने, नेचुरल पॉलीमर हो जाएंगे, और कौन से हैं सेमी सिंथेटिक हो जाएंगे, और क्या है सिंथेटिक हो जाएंगे। नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल मतलब जो कुदरती पाए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक मतलब कुदरती और थोड़ा बहुत उसमें है ना मानव यानी ह्यूमन की एक्टिविटी है, सिंथेटिक यानी पूरे तरीके से ह्यूमन की एक्टिविटी से बने हैं। ठीक है, अब नेचुरल के एग्जांपल क्या है, प्रोटीन सेलुलोज स्टार्च, प्रोटीन फिर से आ गया, ठीक है, प्रोटीन सेलुलोज स्टार्च। सेमी सिंथेटिक के क्या एग्जांपल है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, और सिंथेटिक के एग्जांपल है पॉलीथीन, ब्यूना एस, नायलॉन 6-6। पूरे तरीके से जो एनसीईआरटी में जो फ्लो दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं वैसे वैसे मैंने यहां पे लिखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। देखो स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर तीन टाइप के, लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, और क्या है क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब लीनियर देखिए कौन से होंगे, एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी हो जाएगा, और ब्रांच में लो डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा, क्रॉस लिंक में बेकलाइट एंड मिलमाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे, तो कौन से हो जाएंगे, इलास्टोमर्स हो जाएंगे, फाइबर हो जाएंगे, और क्या है थर्मोप्लास्टिक हो जाएंगे और थर्मो सेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन मोड के बेस पे, दो टाइप के पॉलीमर अपने को देखने को मिलेंगे, एक होंगे एडिशन पॉलीमर और दूसरे होंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक ट्विस्ट की बात है कि एडिशन पॉलीमर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होमो पॉलीमर और एक कौन से होंगे कोपॉलीमर। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, तो होमो पॉलीमर कौन से हैं जिसमें मोनोमर जो होते हैं वो सेम होते हैं, और ठीक इसके ऑपोजिट कोपॉलीमर में जो मोनोमर होंगे वो कैसे होंगे डिफरेंट मोनोमर होंगे। एग्जांपल की बात करें तो होमो पॉलीमर के एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, पैन और टेफ्लोन, कोपॉलीमर के एग्जांपल है ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। इधर कंडेंसेशन में बात करें तो इधर अपने को कौन से पॉलीमर दिखाई देंगे, इधर दिखाई देंगे अपने को पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर एंड फॉर्मल्डिहाइड वाले। ठीक है, अब पॉलीअमाइड के एग्जांपल क्या है, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6-6। ठीक है, पॉलीएस्टर के एग्जांपल है डेक्रोन एंड ग्लिप्टल, और फॉर्मल्डिहाइड वाले के एग्जांपल है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड एंड मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए कौन सा पॉलीमर किस काम आता है, ये बात की गई है। देखो नॉन स्टिक यूटेंसिल बनाने के क्या काम आता है, टेफ्लोन अपना काम आता है। अनब्रेकेबल क्रोकरी है ना, मतलब ऐसे बर्तन जो टूटे ना, अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के मिलेमाइन अपना काम आता है। टायर्स, कोर्ड्स, रोप्स ये बनाने के कौन आता है, लाइनोल 6 काम आता है। ठीक है, टेक्सटाइल्स में कौन काम आता है, योर क्या है ब्रश ब्रिशल, ये नाइलोन 6-6 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के कौन काम आता है, अपना बेकलाइट काम आता है ना। वॉटर पाइप, पानी की पाइप, रेनकोट बनाने के पीवीसी अपना काम आता है। पीवीसी की पाइप आपने सुनी भी होगी अपनी कॉमन लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट है ओरलोन या एक्रिलोन बनाने के कौन काम आता है, अपना पॉली एक्रोनाइट्राइल। देखो एक्रिलोन एक्रोनाइट्राइल ये रिलेट हो जाएगा। ठीक है, ये होता क्या है, ये वूल के सब्सटीट्यूट है, वूल यानी ऊन के ये सब्सटीट्यूट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखो हमने यहाँ पे दो टाइप के पॉलीमर देखे थे, एक एडिशन पॉलीमर देखे थे, कंडेंसेशन वाले देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन बताई गई है कि एडिशन पॉलीमर में कैसी टाइप की पाई जाएगी, चेन ग्रोथ टाइप की, और कंडेंसेशन में स्टेप ग्रोथ टाइप की। डायरेक्ट अपना क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रबड़ के बारे में, बात करने वाले हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रबड़ के बारे में। तो रबड़ यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, एक नेचुरल यानी कुदरती, एक सिंथेटिक यानी जो बनाई गई है ना आर्टिफिशियली। ठीक है, अब नेचुरल रबड़ का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल रबड़ का सिस पॉली आइसोपरीन। ठीक है, अब देखो पॉली यानी पॉलीमर है, किसका आइसोपरीन का पॉलीमर है, सिंपल सी बात है, ये है अपनी पॉली क्लोरोपिन है ना। देखो पॉली यानी पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, क्लोरोपिरीन का पॉलीमर है।
ठीक है, और इसका दूसरा नाम नियोप्रिन भी होता है, सिंथेटिक रबड़ का। ठीक है, अब देखो पॉलीमर है आइसोप्रिन का, मतलब अपने को आइसोप्रिन का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो आइसोप्रिन का फॉर्मूला होता है 2-methyl-1,3-butadiene। ठीक है, और यहाँ पे अपना पॉलीमर किसका है, क्लोरोप्रिन का है, तो क्लोरोप्रिन का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2-chloro-1,3-butadiene। फर्क क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, 2-methyl था, यहाँ पे मिथाइल की जगह, सिंथेटिक वाले में मिथाइल की जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, एक यहां पे देखो, यहां पे एक क्वेश्चन देखो, गट्टा पर्चा किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन नीट में पहले पूछा भी गया। देखो हमने यहां पे रबड़ की बात की थी, तो रबड़ कैसी थी, सिस पॉली आइसोप्रीन थी, सिस। ठीक है, बट अगर इस सिस का ट्रांस अगर हम कर देंगे, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, इसको हम गट्टा पर्चा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। और ये क्या थी, नेचुरल रबड़ थी अपनी। नेक्स्ट ये देखते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होती है। वल्कनाइजेशन नाम आती है, आपको याद आना चाहिए कि रबड़ और सल्फर का संगम कर दिया गया है, इतनी बात आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम बारी बारी से एक एक पॉलीमर की बात करते हैं। देखो ये अपना पहला पॉलीमर है पॉली इथीन। देखो सिंपल सी बात है, पॉली वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, पॉलीमर के लिए। ये पॉलीमर है किसका, इथीन का पॉलीमर है। और इथीन कैसा दिखाई देगा, तो सिंपल सी बात है, इन है मतलब डबल बॉन्ड आएगा, और इथ मतलब दो कार्बन होंगे, तो ये अपना इथीन हो जाएगा, और इसी का पॉलीमर अपना हो जाएगा पॉलीथीन। अब देखिए कमाल देखिए, देखो यहां पे क्या है, ये दो हाइड्रोजन है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, तो मैं अगर एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे क्लोरीन लगा दूं, तो ये बन जाएगा अपना क्या, जाएगा ये अपना बन जाएगा विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, अगर यहां पे क्लोरीन लगा दूं मैं। ठीक है, और उसी का पॉलीमर क्या बन जाएगा, सेम पॉलीथीन की तरीके से पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे कमाल देखो, अब आगे कमाल देखो, देखो यहां पे दो हाइड्रोजन थे, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दूं CF2, और ये भी हो जाएगा अपना CF2, तो ये अपना क्या बन जाता है, ये अपना बन जाता है ये टेट्राफ्लोरोइथीन बन जाता है, और इसका पॉलीमर को हम टेफ्लोन बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो हम हाइड्रोजन से सिर्फ खेल रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा हटा के सेम इथीन की तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रिलोनाइट्राइल, इससे बनता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। देखो पॉली यानी पॉलीमर है किसका, एक्रिलोनाइट्राइल का। सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, यहां पे दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह आपको CN लगा देना है, तो इसका पॉलीमर अगर बना दोगे, ये अपना क्या बन जाएगा, देखो ये एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा, और इसका पॉलीमर बन जाएगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम दो की इकट्ठे बात करने वाले हैं, किसकी किसकी दो की इकट्ठे बात करने वाले हैं, एक ब्यूना एस की बात करेंगे, एक ब्यूना एन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज तो दोनों में सेम आएगी, 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, ये तो दोनों में सेम है। ठीक है, चेंज कहाँ आया है, सेकंड वाले कंपोनेंट में है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या बनेगी अपनी, देखो ये है ब्यूना एस, एस यानी इसका दूसरा कॉम्पोनेंट एस से ही स्टार्ट होना चाहिए, S4-styrene हो जाएगा। अब ब्यूना एन, तो देखो एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, तो ब्यूना एन से ये अपने को याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम दो की बात करने वाले हैं, एक नाइलोन 6-6, एक नाइलोन 6 की बात करेंगे। ठीक है, अब पहले देखो ये 6-6 ये क्यों लिखा जाता है, और ये यहां पे खाली 6 क्यों लिखा जाता है, तो ये ऐसे याद रखना कि कार्बन के रिलेटेड है, कि 6-6 यानी इसमें दो कंपाउंड ऐसे मिलके बनेंगे कि जिसमें 6-6 कार्बन है। ठीक है, कौन से दो कंपाउंड है, एक तो होगा हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एक एडिपिक एसिड। ठीक है, इनमें देख लो, देखो क्या नाम है इसका, नाइलोन 6-6 यानी इसमें भी आपको 6 कार्बन दिखाई देंगे, इसमें भी आपको 6 कार्बन दिखाई देंगे। ठीक है, अब 6 कार्बन कैसे हैं, देखो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो इसका है हेक्सा यानी 6, मिथाइलिन यानी मिथाइलिन, 6 मिथाइलिन ग्रुप है, डाइअमीन यानी डाइअमीन, अमीन दो ग्रुप है। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन देख लो, CH2 में ये 4 कार्बन हो गए, एक COH वाला, एक COH वाला, टोटल 6 कार्बन इसमें अपने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है कि 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको 6-6 नाम दे दिया गया है, ये इनका पॉलीमर बन जाएगा। नेक्स्ट हम नाइलोन 6 की बात करें, तो इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कैप्रोलैक्टम। इसकी ट्रिक बताते हूं, देखो यहां पे NH लग रहा है ना, यहां पे C दिख रहा है, ये आपको C दिखाई दे रहा है, C जैसा, तो C4 क्या हो जाएगा अपना, कैप्रोलैक्टम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेरिलीन या डेक्रोन की बात करते हैं, तो ये किससे बनता है, ये अपना इथाइलीन ग्लाइकोल से बनता है और टेरेथेलिक एसिड से बनता है। देखो याद करो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, याद करो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो होती थी उसमें जो थैलिक एसिड होता था, ये होता था थैलिक एसिड, ये होता था थैलिक एसिड, इसमें COH पोजीशन आप चेक करो कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर मैं COOH की पोजीशन क्या कर दूं कि एक COOH यहाँ पे लगा है, एक ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पे लगा है, तो ये हो जाएगा अपना टेरेप्थैलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और इनका ये पॉलीमर हो गया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिलेमाइन कैसे बना। देखो मिलेमाइन की ये वाली स्ट्रक्चर होती है और ये अपना फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों का पॉलीमर मिलके बन रहा है, ठीक है। अब मिलेमाइन में याद रखना, देखो इसमें आ रहा है अमाइन, अमाइन अमीन, अमीन यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो देख लो इसमें कितने सारे नाइट्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे नाइट्रोजन, है ना, अमीन ग्रुप भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बेकलाइड की बात करेंगे, बेकलाइड की, है ना, बेकलाइड क्या है, देखो ये अपना फिनोल है, ये अपना फॉर्मल्डिहाइड है, फिर इसको इससे अपना क्या बनेगा, नोवोलैक बनेगा, नोवोलैक बनेगा, ठीक है। अब नोवोलैक को हीट कर दोगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसको हम बेकलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अपने को दो टाइप के देखने हैं, एक पीएचबीवी और एक नाइलोन टू नाइलोन सिक्स, ठीक है, ये देखने हैं, नाइलोन टू सिक्स देखना है और एक पीएचबीवी देखना है, ठीक है। अब ये अपना पीएचबीवी है, ये कैसे बना है, ये बना है 3-hydroxybutanoic एसिड और 3-hydroxypentanoic एसिड। देखो सिंपल सी बात है, इन चैप्टर्स में मैक्सिमम चीजें याद करनी पड़ती हैं, जैसे ये आपको याद करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी कि ये बायोडिग्रेडेबल था पीएचबीवी और इससे मिलकर बना था। नेक्स्ट नाइलोन 26 की बात करें, देखो नाइलोन 26 यानी दो कंपाउंड से मिलकर बनेगा, और दो कंपाउंड कैसे है, एक में कितने होंगे, दो कार्बन होंगे, एक में 6 कार्बन होंगे, एक में 2 कार्बन होंगे, में 6 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड से मिलके बना है। ग्लाइसिन में कितने कार्बन है आप देख लीजिए, सिर्फ 2 कार्बन है, तो ये 2 हो गया, और अमीनो कैप्रोइक एसिड में आप देख लीजिए कितने कार्बन है, 5, तो ये हुए, एक ये होगा, 6 कार्बन है, तो लाइनोन 26 इनसे मिलके बन जाए। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, नाम से पता लग रहा है सरफेस, यानी कुछ तो ऐसा हो रहा है जो खाली सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखो मान लो ये कोई चीज है, अब इस चीज में अपने को रेड कलर का क्या करना है, रेड कलर से खेलना है, ठीक है। मान लो मैं पहली पॉसिबिलिटी बताता हूं कि रेड कलर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सरफेस पे हुई है, वो सिर्फ सरफेस पे हुई है, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, एडसॉर्प्शन बोल देते हैं, कि सिर्फ सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और इसी को अपने इस चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। दूसरी तरफ हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की, तो रेड कलर अगर पूरी बॉडी में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, अंदर बाहर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब्सॉर्प्शन बोलते हैं। एक वर्ड अपना आता है यहां पे, सॉर्प्शन आता है। देखो एडसॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन दोनों अगर साइमल्टेनियसली हो, ठीक है, क्या है, बोथ एडसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको हम बोल देते हैं क्या, सॉर्प्शन बोल देते हैं, ठीक है। अब अपने को इस चैप्टर में डिटेल में क्या पढ़ना है, एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एडसॉर्प्शन के बारे में एक सुपर हिट क्वेश्चन आता है, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी, डेल्टा एस यानी अपनी एंट्रोपी, ये बताओ पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। तो आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि एडसॉर्प्शन के लिए तीनों ही कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। नीट में ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, तीनों के तीनों क्या हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो एडसॉर्प्शन अपने पास दो टाइप का है, एक फिजिकल है, एक केमिकल है, एक फिजिकल है, एक केमिकल है। अब इनके डिफरेंस में ये बहुत सारी चीजें हैं, है ना, अब ये अपने को याद नहीं होती है, कंफ्यूज करती है, तो जहां पे कंफ्यूजन होती है वहां पे क्या आती है, केवी एजुकेशन की ट्रिक आती है, केवी एजुकेशन की ट्रिक। अब ट्रिक यहां पे क्या बोलती है, देखो केमिकल वाला जो है ना, केमिकल वाला जो है वो क्या है, अच्छा है, वो क्या है, अच्छा है, हर मामले में अच्छा है, और फिजिकल वाला क्या है, हर मामले में बुरा है। ये हर मामले में अच्छा है, ये हर मामले में क्या है, अब बुरा है, बस अपनी ट्रिक कंप्लीट है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक होने की पहली प्रॉपर्टी है। देखो स्पेसिफिक होना एक बहुत अच्छी बात है ना, कि आप एक काम के लिए पूरा स्पेसिफिक होकर काम कर रहे हो, है ना, नॉट स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक क्या होता है, कभी इधर जाया, कभी उधर जाया, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, नहीं, स्पेसिफिक होना एक अच्छा फीचर है, ये अच्छा है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होगा, ये नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल की बात करें, देखो हमने मान लो एडसॉर्प्शन कराया, ठीक है, मान लो हमने ये एडसॉर्प्शन करा दिया और देखा कि 1 घंटे बाद हमने जो मेहनत करी थी वो बेकार हो गई, ये रिवर्सिबल आ गया, दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया, तो ये एक बेकार फीचर है, बुरा फीचर है। और इररिवर्सिबल यानी हमने एक बार अगर एडसॉर्प्शन करा दिया, मतलब वो जिंदगी भर के लिए हो गया, वो इररिवर्सिबल है, तो कितना अच्छा फीचर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, देखो मैंने क्या बोला, ये अच्छा है, अच्छा यानी इसमें सब कुछ हाई कर देना है, ये बुरा है यानी इसमें सब कुछ लो कर देना है। तो हीट पूछी जाए तो इसमें हाई रहेगी, इसमें लो रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाए तो ये अपना अच्छा है तो इसमें सब कुछ हाई रहेगा, ये बुरा है इसमें सब कुछ लो रहेगा, तो सेम ऐसे ही इसमें हाई हो जाएगी, इसमें लो हो जाएगी, है ना। बॉन्ड्स की बात करें तो देखो ये है केमिकल एडसॉर्प्शन, तो इसमें बॉन्ड भी कैसे होंगे, केमिकल बॉन्ड होंगे, और केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं, और इसमें वॉन्डर वॉल फोर्सेज हैं, हमें पता है वॉन्डर वॉल फोर्सेज कैसी होती हैं, वीक फोर्सेज होती हैं, है ना। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब अच्छी बात है, और इसमें वीक बॉन्ड है मतलब ये बुरी बात है, बुरी बात है ना। और इसमें वीक बॉन्ड है तभी तो ये रिवर्सिबल था, वापिस आ जा रहा था, और इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसीलिए इरिवर्सिबल है, एक बार बॉन्ड बन गए तो बन गए, फिर से नहीं वो टूटेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ये कैसे याद करें, यूनिमोलिकुलर लेयर और मल्टीमोलिकुलर लेयर। देखो सिंपल सी बात है, यूनि मतलब अकेला, यूनि मतलब वन यानी अकेला, तो जिंदगी में हमेशा अकेले रहना चाहिए ना, किसी के साथ, किसी के ना, समझ गए ना आप, तो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, अकेला रहना एक अच्छी बात है, सुपीरियर फीचर है, तो अच्छा हो जाएगा यूनि वाला और ये मल्टीमोलिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखने के लिए हम यहां पे देखना चाहते हैं, ग्राफ देखना चाहते हैं, क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडसॉर्प्शन, ठीक है। और यहां पे हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। देखो होता क्या है, जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट देखते हैं, जब क्या है प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है तो अपने को पहले देखना है कि इसमें फिजिकल में, फिर क्या है केमिकल में देखना है, दो ही तो पढ़ रहे थे हम, फिजिकल और केमिकल हम पढ़ रहे थे। तो फिजिकल में ग्राफ में देखने से ही पता लग रहा है, देखो ये अपना क्या है एडसॉर्प्शन है, ये अपना क्या है टेम्परेचर है, तो ग्राफ में देखने से ही पता लग रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इधर केमिकल की बात करें तो देखने से पता लग रहा है कि ये पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज हुआ, फर्स्ट इंक्रीज, देन क्या हो गया डिक्रीज हो गया, देन डिक्रीज। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देख लिया, अब हम इफेक्ट ऑफ क्या देखने वाले हैं, प्रेशर देखने वाले हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल अपने देख रहे हैं, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने को तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी, इस पूरे ग्राफ में तीन चीजें दिखाई पड़ रही है, एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ए, जिसको हमने बोल दिया ठीक है। दूसरी ये थोड़ी सी कर्व वाली है, थोड़ी सी कर्व वाली है, जिसको हमने बी बोल दिया। फिर तीसरी सी है अपनी, जो कि पूरी कांस्टेंट ही हो चुकी है, कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पे तीन टाइप में डिवाइड कर दिया, देखो ये है अपना ए, ये अपना ए है, ये बी है, अपना सी है। ए क्या है अपनी, ये वाली लाइन है, बी क्या है, ये वाली कर्व है, सी वाली ये वाली है, ठीक है। तो ए में क्या है कि जो एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और सी में क्या हुआ, देखो सी में क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल क्या होगी, ये बिल्कुल कांस्टेंट ही हो गई है, कांस्टेंट ही हो गई है, कि आप प्रेशर कितना भी बढ़ाते जाओ अब एडसॉर्प्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो चुका है ना, पी की पावर जीरो, मतलब प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब हम बी की देखते हैं, बी की देखते हैं, देखो ये अपना क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1/n। अब 1/n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। देखो ये कर्व जो दिखाई देगी यहां पे आपको कर्व दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की। पहला क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, सस्पेंशन है। सिंपल सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होंगे, कोलोइडल में थोड़े उससे बड़े होंगे, और सस्पेंशन में उससे भी क्या है बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। तो साइज दिया हुआ है, साइज कितना होना चाहिए, कि लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आएंगे, और 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक कोलोइडल सॉल्यूशन में, और सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर। अपने काम का कौन सा होता है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को कोलोइड्स को ही पढ़ना रहता है, ठीक है। अब देखो इतने छोटे पार्टिकल हैं तो जाहिर सी बात है वो सेटल नहीं होंगे, डू नॉट सेटल, है ना, वो सेटल नहीं होंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। और ये थोड़े बड़े हैं तो ये सेटल हो जाएंगे, बट सेंट्रीफ्यूगेशन पे, फॉर एग्जांपल, है ना, घुमा घुमा के आप उसको घुमा रहे हो तो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। और ये तो इतने बड़े साइज के पार्टिकल हैं कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है होमोजिनस इन नेचर, ये है हेटरो, ये है हेटरो। देखो सिंपल सी बात है, ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि पानी में इस कदर घुल चुके हैं ना। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मान लो ये पानी का ग्लास है, इसमें आपने चीनी घोल दी है ना, चीनी को एक घंटे तक चम्मच से घुमा रहे हो है ना, तो वो एक तरीके से सिमिलर सा आपको लिक्विड दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा अलग से पानी कौन सा है, अलग से चीनी कौन सी है ना। और मान लो हेटरोजिनस, मान लो आपने उसमें चीनी डाली है पर उसको घोला नहीं आपने, वो चीनी नीचे पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है ना, वो क्या है अलग अलग दिख जाएगी आपको, पानी अलग दिख जाएगी, चीनी अलग दिख जाएगी। तो अलग अलग यानी हेटरो और होमो मतलब सेम हो जाएगा, तो ये भी हेटरो ही रहेगा, ये तो और भी बड़े पार्टिकल हैं तो ये तो जाहिर सी बात है हेटरो रहेगा ही। अब नेक्स्ट देखो, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक क्या है अपना टिंडल इफेक्ट, एक ब्राउनियन मूवमेंट। दो चीजें पूछी जाएंगी, एक है टिंडल इफेक्ट, एक क्या है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। अब ये होते क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, बस यहां पे इतना सा याद रखो कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो ये दोनों में से कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और क्या है ये अपना कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ये दोनों दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट भी और ब्राउनियन मूवमेंट भी, ठीक है। और ये क्या है मे और मे नॉट शो, मतलब दिखा भी सकता है या नहीं भी दिखा सकता है, बट कोलोइडल का आपको हर हाल में याद रखना है कि टिंडल इफेक्ट भी और ब्राउनियन मूवमेंट भी, और यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें डिटेल में बात करनी है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, इस चैप्टर में वही अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैं ये फ्लो बता रहा हूं ना, इस फ्लो को पकड़ लेना, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस फ्लो से मजा आ जाएगा। देखो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो फेज होते हैं, दो फेज कौन से, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये भी अपना फेज ही, ऐसा मत बोलना इसमें फेज आ रहा है इसमें मीडियम आ रहा है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं, एक डीपी यानी डिस्पर्स्ड फेज, एक डीएम यानी डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझो, देखो एक तरीके से मीडियम जो है ना, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं आपको, मीडियम जो है वो अपना सॉल्वेंट होता है और फेज क्या होता है अपना सॉल्यूट होता है, ठीक है। जैसे कि पानी के अंदर अगर मैं मेटल डाल दूं है ना, मेटल ऐसे मेटल के पीस छोटे छोटे चूरा करके ऐसे बोल दूं, तो पानी क्या हो जाएगा अपना मीडियम आ जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम, और मेटल हो जाएंगे अपने डिस्पर्स्ड फेज हो जाएंगे। मैंने बोला था ना इसको याद रखना कि सॉल्वेंट जैसा होता है ये सॉल्यूट जैसा होता है, ठीक है। अब डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, देखो अब अपने पास अभी तक कोलोइडल सॉल्यूशन में अपने पास दो ही चीजें हैं, एक डीपी है यानी डिस्पर्स्ड फेज है, एक डीएम है यानी डिस्पर्जन मीडियम है। अब इसी के बेसिस पे अपने को क्या करना है, कोलोइड्स को डिवाइड करना है इसी के बेसिस पे। तो पहला बेसिस क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज, डीपी डीएम बोल रहा हूं मैं है ना, डीपी डीएम बोलूंगा उसे समझ जाना, डीपी और डीएम का पार्टिकल साइज क्या रहेगा उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन कैसी रहेगी उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तीसरा क्या है, डीपी के पार्टिकल किस टाइप के रहेंगे उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो ये तीन टाइप के हो गए अपने कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब फर्स्ट टाइप क्या है, ये इसमें आठ टाइप के अपने पास आएंगे, इसमें दो टाइप के अपने पास आएंगे, इसमें तीन टाइप के अपने पास आएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं बारी बारी से, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि डीपी डीएम के पार्टिकल साइज पे बेस पे कितने हैं, आठ टाइप के हैं, आठ टाइप के। ये अपना डीपी है यानी डिस्पर्स फेस है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, और ये अपना कोलोइड बन जाएगा, ठीक है। अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी बात है, ट्रिक तो बताऊंगा जहां पर याद करने की चीजें आएंगी। देखो अगर डीएम जहां भी गैस आए, अगर डीएम यानी डिस्पर्जन मीडियम जहां भी गैस आए तो वो क्या बनेगा, एरोजोल बनेगा, वो क्या बनेगा, एरोजोल बनेगा, बात खत्म है, दो अपने को याद हो चुके हैं। और लिक्विड तो पता है अपने को, ऑयल वाटर पता ना, लिक्विड और लिक्विड क्या बनाते हैं, इमल्जन बनाते हैं, ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सॉलिड सोल, तो ये बन गया सॉलिड सोल, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो SO यहां से उठाया, L यहां से उठाया, SO यहां से उठाया, L यहां से उठाया, ये बन गया अपना सोल, बन गया SOL बन गया, ये भी अपने को याद हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोम की बात करो, देखो फोम क्या होता है, झाग होता है, मान लो ये झाग है ना, ये झाग है, मान लो सर्फ से आए हैं। अब झाग में होता क्या है, देखो ये है बाहर क्या है, एक लिक्विड की लेयर होती है, झाग ऐसा ही तो होता है, बाहर लिक्विड की लेयर है और अंदर क्या भरी है, हवा भरी है, गैस भरी है, तो क्या है मतलब लिक्विड और गैस का ये है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता कि डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड आएगा और डिस्पर्स फेज में गैस आएगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, डीएम में जब भी गैस आएगा तो एरोजोल होगा, तो यहां पे डीएम में गैस नहीं आएगा, लिक्विड आएगा, तो ये फोम बन जाएगा, झाग बन जाएगा, ये भी अपने को याद हो चुका है। अब देखो जेल, जेल याद करो, कोई जेली होती है ना, जेली की टॉफी भी आप खाते थे,
तो जेली जो होती है ना तो पूरे तरीके से सॉलिड होती है ना पूरे तरीके से लिक्विड होती है, ना पूरा हार्ड भी नहीं होती जेली, है ना। और क्या है, जेल जो होता है वो पूरे तरीके से लिक्विड भी नहीं होता, बहता भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच का ये हो गया अपना जेल हो गया। तो बचा सिर्फ एक, ये सिर्फ आपको याद करना है, सारे अपने याद हो चुके हैं, तो ये अपना डन हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में बात करते हैं, देखो यहां पे कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। पर मैं आपको याद करने के लिए चीजें नहीं दूंगा, मैं आप पे भरोसा नहीं भरोसा करता हूं, पर ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो लायो मतलब होता है, दूसरा कलर लेते हैं, लायो मतलब होता है लिक्विड, फिलिक मतलब होता है लव, फिलिक मतलब होता है लव, लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब डर, डर फियर या फिर हेट बोल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड लविंग है, यहाँ पे लिक्विड हेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, यहाँ पे हेट यानी नफरत है। तो जाहिर सी बात है, नफरत एक बुरी चीज है और प्यार एक अच्छी चीज है। तो प्यार वाले में सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी और हेट वाले में सारी, है ना, जो सबसे हेट करेगा, नफरत करेगा, उसके साथ बुरी बुरी चीजें होंगी, ठीक है। और मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो जब मेरे 2,000-3,000 सब्सक्राइबर थे, तो जिनके 10,000 सब्सक्राइबर होते थे, 20,000 होते थे, मैं उनसे बहुत नफरत करता था, देख देख के जलता रहता था ना, हेट एकदम, है ना, कि इनके इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है। तो उनके पास मैसेज भी करता था, रिप्लाई ही नहीं करते थे, रिप्लाई ही नहीं करते थे, है ना, एक एक दो ने सीन किया, फिर रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। तो पर जब जब मैंने खुद से प्यार करना चालू किया, खुद से प्यार करके मैंने मेहनत करनी चालू की, तो चीजें चेंज हो गई। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस चीज का है, कि हेट एक बुरी चीज है और लव, प्यार एक अच्छी चीज है, पर खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं करो, ठीक है। अब देखो, अब हम अपनी ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन वाली। देखो ये क्या है, प्यार करता है, ये क्या है, प्यार करता है, तो ज्यादा नखरे नहीं दिखाता है, आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। और ये हेट है, नफरत करेगा, तो आसानी से नहीं प्रिपेयर होगा, ये नॉट प्रिपेयर। इसीलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी स्टेबिलिटी की। देखो प्यार करोगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, खुद से ज्यादा प्यार करोगे तो ज्यादा मोर स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये हेट यानी बेकार है, यानी लेस स्टेबल है। ये रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल की बात कर रहा है, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल की बात कर रहा है। देखो जब आप प्यार करोगे तो आप जिद्दी नहीं होते, जब आप प्यार करोगे आप जिद्दी नहीं होते, है ना, हर चीज से क्या है, जाके वापस आ सकते हो। और यहां पे जिद्दी बन जाता है इंसान, इररिवर्सिबल, जब नफरत करता है जिद्दी बन जाता है कि मेरे को नफरत ही करनी है। नेक्स्ट विस्कोसिटी की बात करते हैं। देखो विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, है ना, तो ऐसे याद रखना कि कैरेक्टर में गाढ़ापन, दिमाग में गाढ़ापन, गाढ़ापन यानी एकदम शांति, एकदम शांति। तो विस्कोसिटी इसमें ज्यादा होती है, सॉल्यूशन से ज्यादा होगी, और इसमें विस्कोसिटी सेम होती है, विस्कोसिटी सेम होती है। नेक्स्ट सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। देखो नाम में ही आ रहा है, क्या टेंशन आ रहा है। तो जो प्यार करेगा, जो खुद से प्यार करेगा, उसको टेंशन क्या होगी, कम होगी, लो रहेगी। और जो नफरत करेगा उसको हर टाइम क्या रहेगी, हाई टेंशन रहेगी, यार इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और यहां पे लो रहेगी। नेक्स्ट स्केटरिंग। देखो स्केटरिंग का ऐसे याद रखना, स्केटरिंग मतलब क्या होता है, बिखरना, स्केटरिंग मतलब होता है बिखरना। तो जो खुद से प्यार करेगा वो कम बिखरेगा, वो कम बिखरेगा, खुद को संभाल लेगा, है ना। और जो नफरत करने वाला आदमी होगा तो उस पर मुसीबत आएंगी, वो बहुत जल्दी बिखर जाएगा, तो स्केटरिंग इसमें हाई होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो एक बार लोकेट कर लो, ये वाला भी अपना कंप्लीट हो चुका है, बचा अपना ये वाला, बचा अपना ये वाला, ठीक है। इसमें पहला क्या है अपने, मल्टी मॉलिक्यूलर। देखो मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, तो बहुत सारे, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया। और ये किस साइज का है, कोलोइडल, कोलोइडल साइज का है, तो ये कोलोइड बना देगा। मैक्रो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। देखो देखो कोलोइड अपने को बनाना है, अपने को क्या बनाना है, कोलोइड बनाना है। तो कोलोइड बनाने के लिए मान लो अपने को इस साइज के, इस साइज के पार्टिकल चाहिए, इस साइज के, इस साइज के, ठीक है। तो ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि कोलोइडल साइज के रेंज के हैं, वो क्या बना देंगे, कोलोइड बना देंगे। तो हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल, हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटेड कोलोइड की। देखो ये क्या है, देखो ये नॉर्मल कंसंट्रेशन पे तो क्या करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पे ये कोलोइड बन जाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई गिलास है, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, ठीक है। तो ये लो कंसंट्रेशन पे थे तो बिल्कुल नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट मैंने अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दी, बहुत ज्यादा कर दी, तो ये क्या करेंगे, कोलोइड की फॉर्मेशन कर देंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन अब बन जाएगा,
ठीक है। अब यहां पे हमें थोड़ी मिशेल के बारे में बात करनी पड़ेगी, मिशेल के बारे में। देखो होता क्या है, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एसोसिएटेड एंड फॉर्म एग्रीगेट ऑफ कोलोइडल साइड। देखो है क्या, वैसे है क्या, देखो मॉलिक्यूल किसके, सोप्स यानी साबुन, डिटर्जेंट यानी सर्फ वर्ष, तो कपड़े धोने का होता है, तो इनके मॉलिक्यूल जब आपस में एग्रीगेट यानी ऐसे गुच्छे से बना लें, ऐसे झुंड से बना ले, उसको क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है मिशेल किससे बने हैं, मिशेल किससे बने हैं, कुछ हमने डाला है ना, कुछ तो डाला है हमने, तभी तो मिशेल बने हैं। तो उस डालने के लिए जो चीज डाली है जिससे मिशेल बने हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है सीएमसी, क्या होती है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, कि जो कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन से ऊपर है ना। देखो यहां पे अपने पास, मैं आपको फिर से बताता हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मिशेल की फॉर्मेशन करनी है अपने को, मिशेल की फॉर्मेशन करनी है, तो मिशेल की फॉर्मेशन के लिए ऐसी कंसंट्रेशन की इस कंसंट्रेशन से ऊपर ऊपर मिशेल की फॉर्मेशन होगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। एक वर्ड होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर ऊपर मिशेल की फॉर्मेशन होगी, वो है क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अबव विच मिशेल फॉर्म्ड, यह है कंसंट्रेशन अबव विच मिशेल फॉर्म, ठीक है। ऐसी कंसंट्रेशन जिसे ऊपर ऊपर मिशेल की फॉर्मेशन होगी, वो है सीएमसी यानी क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, और ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर ऊपर किसकी मिशेल की फॉर्मेशन होगी, वो है अपना क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कौन सी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट है और चार्ज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को सॉल्यूशन चैप्टर से ही पता होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, होता क्या है, देखो मानो इस बीकर में क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, इस बीकर में कोलोइडल सॉल्यूशन है, और यहां से मान लो आई लाइट आई, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करता है, इस आने वाली लाइट की क्या करता है, स्कैटरिंग करता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंपल आपको याद रखना है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, और ये कौन शो करता है, अपना कोलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, तभी तो इसकी प्रॉपर्टी में हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। देखो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, मान लो ये कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है, ये अपने कोलोइडल पार्टिकल है। अब ये कोलोइडल पार्टिकल जो है वो आराम से टिक के नहीं बैठते हैं, ये इधर उधर ऐसे रैंडम ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, और वो मूवमेंट कैसी होती है, वो जिगजैग मूवमेंट होती रहती है ना। तो क्या है, कोलोइडल पार्टिकल जो है वो क्या है, जिगजैग मूवमेंट, कंटिन्यू जिगजैग मोशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, मूवमेंट यानी इधर उधर घूम रहे हैं कैसे, जिगजैग मोशन। नेक्स्ट चार्ज होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली हो सकते हैं, ये उनके एग्जांपल दिए हुए हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो अपने को क्या है, दो टाइप के अपने कोलोइड पड़े थे, एक है लायोफिलिक, एक लायोफिलिक एक लायोफोबिक। अब हमें पता है लायोफिलिक यानी जो लिक्विड से, फिलिक यानी प्यार करता है, लायोफोबिक यानी जो लिक्विड से नफरत करता है, हेट करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो मान लो ये लायोफोबिक है और यहां पे बाहर क्या है, लिक्विड है, बाहर क्या है, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने की, प्रोटेक्शन, यहां बाहर क्या है, लिक्विड है। अब ये लायोफोबिक है यानी जाहिर सी बात है ये लायोफोबिक जो है इस लिक्विड से डरेगा यानी इसको इस लिक्विड से बचाना पड़ेगा, है ना, इसे लिक्विड से डरता है बेचारा, तो इसको लिक्विड से बचाना पड़ेगा। तो ये क्या है, जो लिक्विड से प्यार करता है ये बोलेगा मैं तुझे बचाऊंगा, तो ये यहां पे आएगा और इसके बाहर क्या है, खुद की, अपने आप की एक लेयर बना देगा, ये लायोफिलिक की लेयर बन गई। और लायोफिलिक क्या है, लिक्विड से प्यार करता है, इसको लिक्विड से कोई भी तकलीफ नहीं है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, ये चीज जहां आ जाए तो याद रखना, ट्रिक मैंने बताई है कि लायोफोबिक को कौन बचाता है, लायोफिलिक बचाता है। अब लायोफिलिक ने इसको प्रोटेक्ट किया है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्रोटेक्टिव कोलोइड बोल देते हैं। वही बातें यहां पर लिखी गई है कि लायोफिलिक बचाता है लायोफोबिक को, और इसको प्रोटेक्टिव कोलोइड यहां पर बोल दिया जाता है, यही बातें लिखी गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स की। देखो ये केमिकल मेथड में तो रिएक्शन आ जाएंगी डायरेक्ट ऐसी, इसमें तो क्या ही मैं आपको बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है क्या, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क। देखो इसकी भी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, देसी तरीके से बताता हूं। देखो मान लो ये अपने पास एक बाल्टी थी,
बाल्टी में मान लो पानी भरा है, यहाँ पे अपने को बनाना क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड करना है, बाल्टी में पानी भरा है। अब मैंने क्या किया, इस बाल्टी में एक गोल्ड की रोड डाल दी या प्लेटिनम की रोड डाल दी, ठीक है। अब क्या किया, मेरे को कोलोइड बनाना है गोल्ड का कोलोइड बनाना है, तो इस गोल्ड की रोड पे मैंने क्या किया, यहाँ से करंट दे दिया, यहाँ पे बिजली में लगा दी, इसको करंट दे दिया। तो इसको जब करंट मिलेगा तो ये थोड़ी थोड़ी गोल्ड टूट के, है ना, इस रोड से थोड़ा थोड़ा गोल्ड टूट के यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मिल के, है ना, पानी था उसमें गोल्ड मिल गया, तो ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, कोलोइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये एक प्रिपरेशन होगा कोलोइड का। नेक्स्ट पेप्टाइजेशन, देखो पेप्टाइजेशन का जो क्वेश्चन आता है ना वो अपने बोर्ड में पूछा जाता है कि में क्या क्या होता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि पेप्टाइजेशन जो है वो कोलोइड के प्रिपरेशन का एक मेथड है। ये ट्रू फॉल्स में अपना आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो ये केमिस्ट्री का है ना अजीब सा चैप्टर है, मतलब इसको जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि पढ़े तो इसमें पढ़े क्या, है ना। वो होती है ना जनरल नॉलेज की बातें, कॉमन सेंस की बातें, वो बातें हैं। और अपना बायोलॉजी में, इकोलॉजी में ना जो एनवायरमेंटल इशू, वहां से आधी बातें इसमें ठूसी गई हैं। तो ये अजीब सा ही चैप्टर है, इसको पढ़े कि नहीं पढ़े अपने को डिसाइड ही नहीं होता है। पर फिर भी जैसा भी है, जो भी है, हम इसको कर लेते हैं जितना भी है ना। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं क्या कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी पोल्यूशन की आखिरकार डेफिनेशन क्या होती है। देखो सिंपल सी चीज है, क्या अनडिजायरेबल चेंज आ जाए अगर हमारी सराउंडिंग में और उसका हार्मफुल इफेक्ट हो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, ईटीसी पे। फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में जो हवा है, एयर है, वो शुद्ध है, वो फ्रेश है, बट उसमें अनडिजायरेबल चेंज आ जाए, यानी उसमें पोल्यूशन हो जाए, है ना, उसमें धुआं हो जाए, ये वो हो जाए, तो वो क्या है, अपने को नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाएगा, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन का ना कारण बनते हैं, जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, पोल्यूटेंट बोल देते हैं। सब्सटेंस विच कॉज पोल्यूशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो पोल्यूटेंट हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसको दो तरीके से हमने डिवाइड किया है, हाँ, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका क्या बोलता है कि प्राइमरी और क्या है, सेकेंडरी। ये क्या होगा ये वाला लेते हैं, ये वाला, है ना, इतने गाढ़ा नहीं, ठीक है। तो क्या है, पोल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। देखो प्राइमरी का मतलब है वो नेचर में ऐसे के ऐसे पाए जाते हैं, जैसे SO2 है वो ऐसे की ऐसे पाई जाती है, NO2 वो ऐसे के ऐसे पाई जाती है। और सेकेंडरी क्या है, कॉम्बिनेशन से ना मिलजुल के बने हैं, बहुत सारी रिएक्शन हुई है और मिलजुल के वो बने हैं, जैसे कि पेन हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन है अपनी पोल्यूटेंट्स की, बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। ये तो अपने को पता ही है, बायोडिग्रेडेबल यानी जिनको माइक्रोब्स जो है वो डिग्रेड कर पाए, जैसे कि प्लांट की, है ना, पेड़ की पत्तियां होगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जिनको, है ना, बैक्टीरिया, फंजाई अपने डिग्रेड ना कर पाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे DDT हो गया, हैवी मेटल्स हो गए। नोट्स का फिर से बता रहा हूं, 2-3 स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसमें नोट्स जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो ये अपना क्या है, ये अपना एटमोस्फेयर है। अब एटमोस्फेयर में जो सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मेसोस्फेयर, सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर, ठीक है। सबसे नीचे कब से, सी सरफेस, है ना, सी लेवल से बात करें, समुद्र के तल से बात करें, तो 0 से 10 किलोमीटर होगा अपना ट्रोपोस्फेयर होगा, और 10 से 50 किलोमीटर होगा क्या, स्ट्रेटोस्फेयर होगा, उससे ऊपर मेसोस्फेयर, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर, और पूरे को हम क्या बोल देते हैं, एटमोस्फेयर बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो पोल्यूशन फैलाने वाले दो टाइप की चीजें हो सकती है, एक गैसियस हो सकती है और एक क्या है, पार्टिकुलेट, है ना। गैसियस मतलब गैस और पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल, सिंपल सी बात है। गैस कैसी होंगी, सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं और हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। पार्टिकुलेट में कैसे दिया हुआ है अपनी NCERT में कि क्या है, वायबल हो सकते हैं, नॉन वायबल हो सकते हैं। वायबल में जनरली अपने क्या आ जाएंगे, लिविंग वाले आ जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई आ गए। नॉन वायबल में नॉन लिविंग, जैसे कि स्मोक हो गया, मिस्ट, डस्ट, फ्यूम्स, ये सब, ठीक है। अब देखो ये गैसियस में बारी बारी से बात करेंगे हम, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकते हैं हमें, जैसे कि अस्थमा कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, इम्फाइसीमा कर सकते हैं, ठीक है। और आंखों में इरिटेशन होती है सल्फर के ऑक्साइड, मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उससे आंखों में इरिटेशन होगी, आंखें अपनी लाल हो जाएंगी। नेक्स्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, और वो कहां से आते हैं, फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाएंगे तो वहां से नाइट्रोजन के
डाइऑक्साइड आते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, ठीक है, जो गाड़ियों में, अपने व्हीकल में, ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसके इनकम्प्लीट कंबस्टन से अपने हाइड्रोकार्बन एनवायरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करें तो कार्बन के दो ऑक्साइड अपने को देखने हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं। देखो हीमोग्लोबिन के साथ नॉर्मली किसको बाइंड करना चाहिए, ऑक्सीजन को बाइंड करना चाहिए, बट ऑक्सीजन की जगह पे ये वाला बाइंड कर जाता है अगर अपने अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी है ना हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छे से बाइंड करता है। ठीक है, तो बनना था क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना था, पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। नहीं, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो हीमोग्लोबिन के किसने बुक कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। ठीक है, हीमोग्लोबिन को किसने बुक कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने बुक कर दिया, है ना। तो ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बची तो ऑक्सीजन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कहां से आती है, रेस्पिरेशन से, है ना, हम सांस छोड़ते हैं जो, है ना, उसमें CO2 बाहर निकालते हैं, सिंपल सी बात है। और क्या है, फ्यूल्स की बर्निंग से, ईंधन के जलाने से, है ना। और CO2 का ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल है। ग्लोबल वार्मिंग में बात हुई है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी बात करनी पड़ेगी। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। देखो सबसे ज्यादा होती है CO2, फिर CH4, फिर CFC, फिर N2, है ना, ऐसे याद रखना, CCC, है ना। और CO2 सबसे ज्यादा होगी, CH4 के साथ कंफ्यूज मत होना। CH4 क्या है, मीथेन है, ये एक बायोगैस है। तो बायोगैस का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मीथेन होगी, और ग्रीन हाउस गैस पूछा जाए तो सबसे ज्यादा CO2 होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन, देखो फॉर एग्जाम्पल ये अपनी जमीन है, ये अपनी जमीन है और जमीन पे ये फैक्ट्री लगी हुई है और ये फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। अब फैक्ट्री से धुआं यानी पोल्यूशन निकल रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगी, उसमें SO2 भी होगी, है ना, और क्या है उसमें NO2 भी होगी, है ना, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, ये होंगे। ठीक है, अब यहां पे आसमान में अपने क्या है, बादल हैं, आसमान में अपने बादल हैं और ये गैस, ये मान लो ये गैस यहां पे पहुंच गई है SO2 NO2। ठीक है, अब मान लो बारिश होनी है तो बादलों में क्या होगा, पानी होगा, बारिश होनी है बादलों में पानी होगा, तो ये SO2 से यहां क्या बन जाता है, SO2 से बन जाता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और NO2 से क्या बन जाता है, यहां नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ये नाइट्रिक एसिड बन गया। तो जब बारिश होगी तो ये क्या है, बारिश के साथ नीचे आएंगे तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो इस रेन को क्या बोल देते हैं हम, एसिड रेन बोल देते हैं। और इसकी pH का क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ऐसी बारिश जिसकी pH लेस देन 5.6 है उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन अब बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है कि रिकमेंडेशन उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहला पॉइंट है अपना फ्लूराइड्स के रिलेटेड। देखो फ्लूराइड जो है हमें अपने ड्रिंकिंग वाटर में चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, क्योंकि फ्लूराइड जो है वो इनेमल, दांतों के ऊपर इनेमल होता है, टीथ्स के ऊपर, उसको बनाने में काम आता है। ठीक है, अब फ्लूराइड की अगर पानी में कमी हो जाएगी तो इनेमल के साथ गड़बड़ी होगी तो डिकेइंग ऑफ टूथ हो जाएंगी। मतलब एक बात तो क्लियर है, अपने को फ्लूराइड चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए, कितना चाहिए, 1 ppm अपने को चाहिए, तो उतना पानी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब 1 ppm से कम हुआ तो डिकेइंग ऑफ टूथ हो जाएगी, है ना, और ज्यादा हुआ तो ज्यादा का NCERT में क्या लिखा हुआ है कि मोर देन 2 ppm, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोर देन 2 ppm हो गया तो मॉडलिंग ऑफ टीथ हो जाती है, और मोर देन 10 ppm ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना, तो इससे क्या है, हड्डियां तक खराब हो जाती है, हड्डियां तक, दांत तो होंगे, हड्डियों पर भी असर पड़ता है। अब फ्लूराइड्स के बाद हमें बात करनी है लेड की, तो लेड की लिमिट कंसंट्रेशन जो दी हुई है 50 ppb यानी 50 पार्ट्स पर बिलियन दी हुई है, कि इससे कम होनी चाहिए, इसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो किडनी लीवर को भी डैमेज हो सकता है। सल्फेट की लिमिट कंसंट्रेशन कितनी दी है, 500 ppm दी है। नाइट्रेट की लिमिट कंसंट्रेशन 50 ppm दी है, कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और नाइट्रेट में एक बीमारी आपको याद रखनी है कि इससे ज्यादा अगर नाइट्रेट हो गया तो मिथेमोग्लोबिनीमिया ये हो जाता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हम अब बोलते हैं। नेक्स्ट मेटल की ये कंसंट्रेशन दी हुई है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, ये इनकी कंसंट्रेशन दी है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट वाला टॉपिक हो गया, जिसमें अपने को BOD के बारे में और CO2 के बारे में पढ़ना रहता है, और अब ये अपनी बायोलॉजी में है ना, एनवायरमेंटल इशू जो इकोलॉजी में चैप्टर है वहां पे भी है, तो ये अभी आपके सामने चलेगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में स्मोक दी हुई है, और इस चैप्टर में स्मोक
स्मोक दी हुई है, फोटोकेमिकल स्मोक और लंडन वो स्मोक है ना, वो भी आपके सामने अभी चलेगा, जो कि एनवायरमेंटल इशू में भी अपना नॉर्मली पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने चलने जा रहे हैं। हम स्मोग की बात कर रहे हैं, स्मोग की है ना, देखो ये क्वेश्चन है ना, इससे पूछ लिया जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्मोग, स्मोग यानी स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग से बना क्या वर्ड बना, स्मोग अपना बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है धुआं और फोग यानी फोग होती है धुंध, तो धुआं प्लस धुंध मिलकर बना दी है स्मोग। अब स्मोग अपने को यहाँ दो टाइप की देखनी है, एक होगी लॉस एंजलस और फोटो केमिकल स्मोग। इसका नाम लॉस एंजलस क्यों बना, क्योंकि ये पहली बार लॉस एंजलस में देखी गई थी। दूसरी स्मोग है अपनी लंदन स्मोग और सल्फर स्मोग। ठीक है, ये कब देखी गई थी, कहां देखी गई थी, कहां, लंदन में ये देखी गई थी। ठीक है, अब देखो जो ये हम मैं आपके सामने बोल दूं कि फोटोकेमिकल स्मोग, तो आपको पूछना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोग होती क्या है, तो ये अपनी फोटोकेमिकल स्मोग होती है, ये अपनी फोटोकेमिकल स्मोग होती है। क्या है इसमें, पैन आएगा, पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, और क्या होती है इसमें, ओजोन होती है और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। इधर बात करें कि लंदन या सल्फर स्मोग वो क्या होती है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स होते हैं, यानी H2SO4 के वेपर्स होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये बनी कैसे हैं आखिर। देखो सिंपल सी बात है, दोनों स्मोग हैं, ये भी स्मोग है, ये भी स्मोग है, तो स्मोक प्लस फोग तो दोनों में होगा, स्मोक प्लस फोग तो दोनों में होगा। अब एक कंफ्यूजन आती है कि टेम्परेचर कैसे बताएं, देखो इसमें होता है हाई टेम्परेचर, इसमें होता है लो टेम्परेचर, ये कैसे बताएं, तो सिंपल सी बात है, लंदन, देखो लंदन कहां पे है, इंग्लैंड में ही तो होता है, लंदन है ना, वहीं पे तो होता है, तो इंग्लैंड में, लंदन में तो आप देखोगे ना लगभग हर महीने 12 के 12 महीने क्या है, ठंड रहती है, लगभग ठंड रहती है, ठंड का मौसम, तो ठंड का मौसम यानी लो टेम्परेचर, तो इसमें लो टेम्परेचर होगा, इसमें हाई टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये है H2SO4 यानी सल्फर के ऑक्साइड, तो इसमें रहे होंगे, नेचुरल सी बात है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे। ठीक है, अब ये ओजोन है, तो याद कर लेना ओजोन आई है, तो ओजोन किससे बनी होगी, ऑक्सीजन से बनी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यूवी लाइट इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हाई टेम्परेचर है यानी बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, तो यूवी लाइट भी उसमें पाई जाएगी। ठीक है, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है BOD एंड COD, वर्सेस बोलो या एंड बोलो, कुछ भी बोलो, बेसिकली हम इसी में सारा समझ लेंगे, और यहां पे मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको आज के बाद याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। नाम इसका आएगा BOD, आप नाम से ही बता दोगे ये क्या होता है, कैसे होता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखो BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा कृपया करके अपने दिमाग के जो दरवाजे हैं वो खोल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक आसान सी ट्रिक। देखो इसमें आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, इसमें आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, और इसमें भी आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, इसमें भी आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड। अब ये ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, बायो, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने की है, ये ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने की है, जैसे कि बैक्टीरिया। अब यहां पे किसने की है ऑक्सीजन की डिमांड, केमिकल ने की है, यहां पे ऑक्सीजन की डिमांड की है केमिकल ने, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पे भी ऑक्सीजन की डिमांड है, जो किसने की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाम में यार है बायो, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और यहां पे ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, केमिकल ने की है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसे करना है ऑक्सीडेशन है ना, क्योंकि उसे करना है ऑक्सीडेशन, किसका करना है, तो किसका करना है, बैक्टीरिया है, देखो बैक्टीरिया है बेचारा, प्लास्टिक का तो है ना कर नहीं पाएगा डिग्रेड, है ना, सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि केमिकल है जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, तो यहीं पे अपने सारे डिफरेंस बन गए कि BOD में ऑक्सीजन की डिमांड कौन करता है, बैक्टीरिया जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और COD में क्या यूज करते हैं हम, केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट।
है ना। और क्या है, बीओडी में ऑक्सीडेशन होती है और इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन तो होगी, और इसमें ऑक्सीडेशन किस चीज की होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, जबकि यहां की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए और बीओडी और सीओडी में से कौन ज्यादा होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है, यहां पे बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी, तो सीओडी हमेशा बीओडी से ज्यादा होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब सीओडी का इससे ज्यादा सीओडी का अपने पास यहां काम नहीं है, अपने पास काम है सिर्फ बीओडी का, ठीक है। तो बीओडी का मैंने अभी बताया आपको क्या है, बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है, जो किसने की है, बैक्टीरिया ने की है। क्यों की है, क्योंकि बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करना चाहता है। इसको मैं आपको अब अच्छे तरीके से, थोड़ा सा अच्छे बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देखो मान लो ये अपने पास एक तालाब था, ये अपने पास एक तालाब है, ठीक है, तालाब है, पोंड है, लेक है, कुछ भी मान लो। अब इस तालाब में पानी भरा है, जाहिर सी बात है ब्लू कलर का ये हम पानी भर देते हैं, इसमें पानी भरा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है नेचुरली इस वाटर बॉडी में क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, है ना। इस वाटर बॉडी में ये ऑक्सीजन कैसे है, डिजोल्व है, यानी इसमें घुली हुई है, डिजोल्व है, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम डिजोल्ड ऑक्सीजन बोल देते हैं, है ना। और इसी ऑक्सीजन के सहारे कौन जी रहा है, जो भी इस तालाब में मछलियां हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो इस ऑक्सीजन का यूज करके वो जी रहे हैं। अब हुआ क्या, मैंने यहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, मैंने यहां पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब यहां इसके अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मान लो ब्लैक कलर का मैं दिखा रहा हूं कि मैंने ये ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये ऑक्सीडाइज करेंगे। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए इन बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी तो ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन इनको कहां से मिली थी, इस तालाब में जो ये डिजोल्व ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन का ये यूज करेंगे और इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो यहां पे एक बात हमें पता चली, देखो अब यहीं पे है अपना कंसेप्ट बीओडी का, है ना, क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डालोगे उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी, तो उतनी ज्यादा इनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। और ये ऑक्सीजन जो चाहिए थी इनको, इसी को हम बोल रहे थे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इन बैक्टीरिया को जो ये ऑक्सीजन चाहिए थी इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने में, उसी को बोल रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो उतना ज्यादा बीओडी होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज्यादा, बीओडी भी उतना ज्यादा होगा, लॉजिकल बात है, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात, ऑर्गेनिक वेस्ट जब हम डालेंगे तो जाहिर सी बात है डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने, माइक्रोब्स ने, अपने बैक्टीरिया ने उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड एनसीईआरटी में ये अपना डायग्राम है। अब ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे सीवेज डिस्चार्ज, यानी यहां पे हमने वेस्ट डाला, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, यहां पे हमने वेस्ट डाला किसी रिवर में, है ना। अब रिवर में वेस्ट जब डालेंगे तो देखो डिजोल्व ऑक्सीजन जो इतनी थी वो एकदम से कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया किसने, माइक्रोब्स ने। और बीओडी जो है, देखो सीवेज में यहां पे वेस्ट डालते ही बीओडी एकदम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स इसकी डिमांड कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर से नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे एक बात अपने को पता लग सकती है कि देखो डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या है, कम होती जा रही है। तो मान लो यहां पे ये मछली रह रही थी बेचारी, ये मछली इस डिजोल्ड ऑक्सीजन के सहारे जो थी, डिजोल्ड ऑक्सीजन अब कम होती जा रही है, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी, है ना, खत्म होते जाएंगे।
अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओजोन के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओजोन के बारे में। देखो ओजोन के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, ओजोन के बारे में जो भी प्रश्न अपने सामने बन सकता है वो अपने सामने ही लिखा हुआ है, इससे अलग इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता। सबसे पहला क्वेश्चन, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन जो होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से हमें बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, हिंदी में बोले तो पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचना है ना, आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है अल्ट्रावायलेट रेज में जो ओजोन हमें इससे बचाती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी, मतलब ओजोन हमें इससे नहीं बचाएंगी, तो अपने को कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हमें हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, कैटारैक्ट हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हमें हो सकती है, ये बातें क्लियर है। ठीक है, अब ओजोन प्रेजेंट कहां होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जाम में कि स्ट्रेटोस्फेयर था, थर्मोस्फेयर था, आयनोस्फेयर था, ट्रोपोस्फेयर था, क्या था। तो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा ना एक ऑर्केस्ट्रा, आपने सुना होगा ऑर्केस्ट्रा। अब इसमें देखो ओ से अपने को याद आएगा ओजोन और स्ट्रा, स्ट्रा से याद आएगा अपने को स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन प्रेजेंट होती है भाई साहब या बहन साहब, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ओजोन की थिकनेस को किस में मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जो साउंड होती है ना, जो आवाज कितनी तेज आवाज है उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में, और इसकी थिकनेस को डॉब्सन में। तो इन दोनों को, दोनों डी से आ रहे हैं, पक्का कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा डेसिबल और डॉब्सन का। नेक्स्ट है, ओजोन इज डिग्रेडेड बाई सीएफसी। देखो हम जो फ्रिज, घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, ठंडा ठंडा पानी पीते, ठंडा ठंडा कुछ कुछ खाते, ठीक है, तो उस फ्रिज से या फिर एसी में, है ना, एसी में जब ठंडी हवा खाते हैं तो वो फायदा तो कर रहा है हमें, ठंडी हवा दे रहा है, पर वो नुकसान भी बहुत कर रहा है। कैसे कर रहा है कि वो हवा में क्या रिलीज करता है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको नुकसान पहुंचाता है, अपनी ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, और ओजोन को नुकसान पहुंचा तो ये अपने पास आ जाएंगी, ये अपने पास आई तो ये भी अपने को हो सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। तो अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, किसके, अमीनो एसिड्स के। मतलब क्या है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, अपना प्रोटीन बनाते हैं। अब अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है अपना अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ये कार्बन है अपना, देखते चलना एक एक बात को, ये कार्बन है अपना। अब एक एक कार्बन पे तीन जो चीजें हैं, देखो कार्बन अपने चार बॉन्ड बना सकता है, 1, 2, 3, 4, हाँ, तो तीन बॉन्ड है वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे। एक हाइड्रोजन रहेगा, एक क्या रहेगा अपना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा COOH, और एक पे क्या रहेगा अपना NH2 ग्रुप रहेगा। तो ये तीन चीजों तो फिक्स रहेंगी ना, कौन सी फिक्स रहेंगी, एक अपना हाइड्रोजन फिक्स रहेगा, एक COOH फिक्स रहेगा, और एक क्या है अपना NH2 फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये अपना क्या होता है, एसिड ग्रुप है, ये अपना एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है, अमीन ग्रुप है। तो यहीं से इसका नाम पड़ा है क्या, अमीन यानी अमीनो एसिड यानी एसिड, तो इसका नाम यहीं से पड़ा है क्या, अमीनो एसिड इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको ये बात बताऊंगा दोबारा से कि किसी भी अमीनो, दुनिया में किसी भी अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें तीन जगह तो हमेशा फिक्स रहेंगी, एक हाइड्रोजन होगा, एक COOH होगा, एक NH2 होगा। तो वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ ये होता है, ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल होता है, ये कुछ भी हो सकता है ना, और कुछ भी में क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि NCERT में ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर ये R ग्रुप अगर हाइड्रोजन हुआ तो उस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन, अगर ये CH3 हुआ तो अमीनो एसिड का नाम एलानिन हो जाएगा, और अगर ये OH हुआ तो सेरीन हो जाएगा। ये तीन मैंने यहां अलग से क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट NCERT में ऐसे ही लिखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना, ज्यादा अपने को याद हो ना हो पर ये तीन तो होने चाहिए कि ग्लाइसिन में हाइड्रोजन था, एलानिन में CH3 था, सेरीन में OH था। ज्विटर आयन की बात करें तो कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है, देखो ये एसिड ग्रुप है, ये अपना एसिड ग्रुप है, तो ये H+ को भेज देगा, और H+ इधर आपको टिका देना है और इधर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है ना, देखो इधर नेगेटिव चार्ज और वो जो हाइड्रोजन था वो इधर चिपक गया, इधर पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अपने पास काइरल कार्बन होना चाहिए, काइरल कार्बन। तो अभी अभी हमने बात की थी, अभी अभी हमने बात की थी, इधर मैं समझाता हूं आपको ऑप्टिकल का सिस्टम। देखो ये जो कार्बन है ये काइरल कार्बन होना चाहिए, काइरल यानी चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। देखो ये हाइड्रोजन हमेशा रहेगा बिल्कुल अलग है, ये COH भी अलग है, NH2 भी अलग है ना, तो फर्क सिर्फ इससे पड़ता है। अगर मान लो ये OH होता है तो चारों अलग हो गए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। मान लो ये CH3 होता है तो भी चारों अलग हो गए तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो वो यही बोल रहे हैं कि सारे सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन में दिक्कत क्या है कि R ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन होता है, तो यहां पे हाइड्रोजन तो फिक्स था, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब ये कार्बन जो है वो काइरल नहीं बचा है, तो मतलब क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें काइरल कार्बन पाया जाएगा, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। ये हाइड्रोजन ने यहां पे गड़बड़ी कर दी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड इसेंशियल हो सकते हैं। इसेंशियल यानी जरूरी, सिंपल सी बात है। देखो हमारे लिए कोई चीज जरूरी कब होती है, जब हम उसको खुद नहीं बना सकते, हमें बाहर से चाहिए, तभी तो जरूरी होगी है ना। खुद अगर बना सकते हैं उसको तो अपने को जरूरत क्या बाहर से लेने की, मतलब वो नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो इसेंशियल वाले कौन से हो जाएंगे कि कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाई आवर बॉडी, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें बाहर से उनकी जरूरत है, इसीलिए वो इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल यानी हमारी बॉडी उनको बना सकती है, हमें बाहर से कोई भी उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए उनको नॉन एसेंशियल बोला गया। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसके लिए मैं दोबारा से आपको फिर से ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। देखो यहां पे ये अपना ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप है, ये अपना क्या है, एसिडिक ग्रुप है, और ये अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, अपना बेसिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है। अब सिंपल सा एक लॉजिक देखो, कोई अमीनो एसिड, ये क्या है, अपना अमीनो एसिड है, कोई अमीनो एसिड एसिडिक कब होगा, मतलब जब इसमें इसकी संख्या ज्यादा होगी वो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। कोई अमीनो एसिड बेसिक कब होगा, जब उसमें NH2 की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अपना बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एसिडिक कौन सा होगा में COOH यानी एसिडिक ग्रुप की संख्या ज्यादा हो, वो एसिडिक हो जाएगा। एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बेसिक कब होगा, जिसमें NH2 की संख्या ज्यादा हो जाए वो बेसिक हो जाएगा। एग्जांपल है लाइसिन। न्यूट्रल कब होगा, जब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। एग्जांपल है क्या हो जाएगा, वैलीन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। टायरोसिन एरोमेटिक का एग्जांपल है, फिनाइल एनानील किसका एरोमेटिक का एग्जांपल है, और ट्रिप्टोफैन। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताता हूं इसमें। देखो ये टी वाले से याद रख लेना, ये टी वाले से याद रख लेना, और इसमें क्या रहा है, फिनाइल आ रहा है, तो फिनाइल तो क्या होता है, अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड में ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अभी हमने बात कर रहे हैं, हम बार बार अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और हम क्या बात कर चुके हैं कि अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड ही मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। क्या है, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का पॉलीमर ही तो होता है। तो ये बात हम कर चुके हैं कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो यही सवाल है कि कितने अमीनो एसिड को, मिनिमम कितने अमीनो एसिड को हम जोड़ दें, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जोड़ते गए, तो कितने अमीनो एसिड को मिनिमम जोड़ दें कि वो एक प्रोटीन कहलाने लायक, है ना, प्रोटीन कहने लायक वो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि प्रोटीन में मिनिमम टू मिनिमम 100 अमीनो एसिड होने चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि 100 अमीनो एसिड की चेन होनी चाहिए, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं। मिनिमम 100 से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 100 से ज्यादा होने चाहिए। और वजन की बात की गई है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10,000 डाल्टन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोला गया है कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होनी चाहिए, मोर देन 100, 100 से ज्यादा, और वेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10,000 डाल्टन होना चाहिए, तब हम उस चेन को, उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, हम प्रोटीन बोलेंगे। अब यहां पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। अभी अभी हमने बात की कि 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होना चाहिए तभी हम प्रोटीन बोलेंगे, बल्कि अपने को क्या याद रखना है, इंसुलिन में याद रखना है कि इंसुलिन में अमीनो एसिड कितने होते हैं, सिर्फ 51 होते हैं, फिर भी उसको प्रोटीन बोला जाता है। तो ये यहां पे स्टार लगा लो, इंसुलिन आपको याद रखना है।
एक बार फिर से है ना, प्रोटीन की क्या है एक्सेप्शन क्या है, इंसुलिन है, कि मिनिमम होने तो सो चाहिए थे बट इंसुलिन में 51 होते हैं फिर भी उसको प्रोटीन बोला जाता है, ये खास बात है, इसीलिए इसको थोड़े से डब्बे में बंद किया गया। नेक्स्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देखो इसमें क्या है, देखो मान लो अपने पास कोई प्रोटीन है, अपने पास कोई प्रोटीन है और हमने क्या किया उस प्रोटीन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा उस प्रोटीन की ऐसी तैसी हो जाएगी, या फिर हमने प्रोटीन को क्या किया बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन दे दी, या फिर हमने प्रोटीन को बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन दे दी, तो इस प्रोटीन बेचारे की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ऐसी तैसी कैसे होगी, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे, जो हेलिक्स है वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे। तो वही बात यहां पे बताई गई है कि फिजिकल चेंज, जैसे कि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें या फिर केमिकल चेंज यानी पीएच का चेंज कर दें, पीएच यानी बहुत ज्यादा एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशन, तो वो प्रोटीन की डीनेचुरेशन कहलाती है, ये सारी गड़बड़ी उसमें हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन्स हैं वो फाइबरस भी हो सकते हैं, वो ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, नाम से ही पता लग रहा है फाइबरस यानी ऐसे फाइबर होंगे ना, ऐसे पैरेलल क्या होंगे फाइबर्स होंगे, और ग्लोबुलर मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ग्लोब्यूल बन चुका है, ऐसे कोयल कर चुके हैं, ग्लोब्यूल ऐसे बन चुका है। तो इसमें वही बातें लिखी हुई है कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, अगर पैरेलल हो ऐसे फाइबर बन जाएंगी, और वो कोयल्स ऐसे ना घूम 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 के ऐसे बना लिया, ग्लोब्यूल सा बना लिया। अब फाइबरस क्या होते हैं, वॉटर 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 इनसोल्यूबल होते हैं और ग्लोबुलर वॉटर सोल्यूबल होते हैं, एग्जाम्पल आपको याद हर हाल में रखने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फाइबरस के एग्जाम्पल है केराटिन एंड मायोसिन, ठीक है, और ग्लोबुलर के हैं इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेना, देखो केराटिन कहां होता है, अपने बालों के अंदर होता है, तो अपने बाल है ना ऐसे फाइबरस से होते हैं, ग्लोबुलर जैसे तो होते नहीं है बाल है ना, ऐसे फाइबरस से होते हैं सीधे सीधे, तो ये केराटिन का याद आ जाएगा। और मायोसिन में भी हम पढ़ते हैं ना कि फाइबर ही पढ़ते हैं ना कि है ना थिक फाइबर थिन फाइबर, तो वहां से भी फाइबर मायोसिन भी याद आ जाएगा, और इंसुलिन और एल्ब्यूमिन अपने क्या हो जाएंगे ग्लोबुलर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करने वाले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, आपको याद क्या चीजें रखनी है, डायरेक्ट मैं वो बताऊंगा है ना कि आपको याद क्या रखना है, वो चीज कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। देखो प्राइमरी तो सिंपलेस्ट होती है, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है। सेकेंडरी में आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, सेकेंडरी में दो टाइप की अपने को स्ट्रक्चर पढ़नी है, एक हो सकती है अल्फा हेलिक्स एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स देखो नाम से ही पता लगेगा, अल्फा हेलिक्स यानी ऐसे ऐसे हेलिक्स बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे हेलिक्स बन जाएगा और आपस में यहां पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे है ना, वो ये हाइड्रोजन पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। जबकि बीटा प्लेटेड में क्या होता है, बीटा प्लेटेड में मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये आपस में ऐसे जुड़ी होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड से है ना, ये होता है बीटा प्लेटेड चेन में, ठीक है, क्या है लेड साइड बाय साइड है ना, साइड बाय साइड ले करेंगी और क्या है हेल्ड टुगेदर बाय मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी होगी। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, हम पूरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चाहे अल्फा हेलिक्स की बात करें चाहे बीटा प्लेटेड की बात करें, अभी तक हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक हम क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, बट टर्शरी में यहां पे एक बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। टर्शरी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी फोर्स आ गए हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कौन से, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रहेगी और क्या है डायसल्फाइड बॉन्ड भी आ गए हैं, वंडरवॉल फोर्सेस भी आ गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गए हैं, सारे एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। और टर्शरी क्या होती है कि सेकेंडरी, देखो टर्शरी क्या होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही फर्दर अगर फोल्डिंग कर दे तो वही टर्शरी बन जाएगी। एक बार खिचड़ी को साफ करके दिखा देता हूं, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्वार्टनरी में क्या होगा, क्वार्टनरी में क्या होगा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल है ना, मतलब वो वाला स्पेशल नहीं स्पेशल लिखा है, एक बार स्पेलिंग ध्यान से देख लो है ना, मेरी तरह किसी की अंग्रेजी कमजोर हो तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मतलब फर्दर ही ऐसे कुछ ऐसे 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 और कॉम्प्लेक्स करते जाओ। कुल मिला के देखो फंडा ये चलता है, प्राइमरी सबसे सिंपल है, उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दोगे सेकेंडरी, उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दोगे टर्शरी हो जाएगी, उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगी वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक बात यहां पे याद रखनी है कि जो ऑलमोस्ट है ना एंजाइम जो होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंजाइम क्या होते हैं तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, मतलब क्या है फाइबरस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं,
अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन है ना, पहले क्या करेंगे, तीन टाइप से डिवीजन करेंगे। एक हम करेंगे किसके बेसिस पे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। दूसरे टाइप की डिवीजन हम करेंगे रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे। तीसरे टाइप की डिवीजन हम करेंगे टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्या है, देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं वो हो जाएंगे मोनोसैकेराइड, वो सबसे छोटे हो जाएंगे, है ना। तभी तो हाइड्रोलाइज नहीं होते कि सबसे छोटे हैं साइज में, इससे ज्यादा वो नहीं टूट सकते। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो से लेके दस यूनिट में टूट जाते हैं, दो से लेके, है ना, मान लो ये है दो तीन चार पांच छह है, मान लो ये दो से लेके दस के बीच में ही आ गया ना, तो इस तरीके का, अब ये छोटी यूनिट्स में टूट सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ओलिगोसैकेराइड। और पॉली यानी बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड हैं, वो बहुत सारी यूनिट्स में टूट सकता है। ठीक है, जो 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 टूट नहीं सकता, स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो है मोनोसैकेराइड। जो दो से दस यूनिट में टूट सकता है वो ओलिगोसैकेराइड, और जो पॉली यानी बहुत सारी यूनिट्स में टूट सकता है वो हो जाएगा अपना पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कि रिड्यूसिंग टाइप के भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोस आपको याद रखना है। सुक्रोस क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी के सारे सिर्फ सुक्रोस को छोड़ दो, सारे रिड्यूसिंग वाले में आ जाएंगे। ठीक है, और कैसे पता लगाएं, देखो जो टोलन और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते मतलब नॉन रिड्यूसिंग, जो कर सकते हैं वो हो जाएंगे अपने रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया, टेस्ट एंड सोल्युबिलिटी के बेस पे। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे, एक शुगर हो जाएंगे, एक नॉन शुगर हो जाएंगे। नाम से पता लगा था शुगर मतलब वो टेस्ट में कैसे होंगे, स्वीट होंगे, मीठे होंगे, और मीठे होंगे तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लेना, चीनी होती है, अपने घर में चीनी होती है, जो चीनी क्या होती है, सोल्यूबल होती है पानी में। ठीक है, नॉन शुगर कैसे होंगे, नाम से ही, नॉन शुगर मतलब स्वीट वो नहीं होंगे और नॉन सोल्यूबल होंगे वो पानी में। एग्जाम्पल देख लें तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, है ना, जैसे कि ग्लूकोज है मान लो अपना, वो पानी है ना, वो ये मीठा होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोनडी जो आता है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड किस में आ जाएंगे, अपने नॉन शुगर में आ जाएंगे। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड को देखने वाले हैं, मोनोसैकेराइड में देखो अगर किसी मोनोसैकेराइड में जो फ्री ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो उसको बोल देंगे हम एल्डोज बोल देंगे, और फ्री ग्रुप अगर कीटोन है तो उसको कीटोज बोल देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कीटोन है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कीटोज बोल देंगे। और नेमिंग के लिए क्या होता है, देखो इसके पीछे एल्डोज है तो ओज, इसकी नेमिंग में ओज कर देना है, और इसकी नेमिंग में उलोज होता है, है ना, जैसे कि इरिथ्रोज यानी इसके फ्री क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, राइबोज मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज यानी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, और पीछे उलोज आ जाए जैसे इरिथ्रुलोज, उलोज मतलब कीटोन ग्रुप है, राइबुलोज, उलोज आ गया मतलब कीटोन ग्रुप है, और एक कीटोन वाले में आपको फ्रक्टोज याद रखना है। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड की थोड़ी हम क्या करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं कि होमो, है ना, कि होमो पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, हेट्रो पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं। होमो मतलब जिसमें सारी यूनिट्स जो है सेम हो। देखो पॉलीसैकेराइड होगा, मान लो ये इतनी यूनिट से मिलके बना है एक पॉलीसैकेराइड, कितनी यूनिट है इसमें, एक यूनिट, दो तीन चार पांच छह। ठीक है, अब ये सारी जो यूनिट्स हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, तो वो हो जाएगा होमो, है ना, होमो पॉलीसैकेराइड। और ये डिफरेंट है, मान लो एक ऐसी है राउंड है, एक डब्बे जैसी है, एक ट्राइंगुलर है, एक ऐसी है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसैकेराइड हो जाएगा, कि अलग अलग यूनिट है। ठीक है, देख लो ये खिचड़ी साफ कर देता हूं, क्या है, सेम यूनिट और यहाँ डिफरेंट यूनिट। तो होमो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं अपने, कौन से एग्जाम्पल है, सेलुलोज है, स्टार्च है, और क्या है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, इन्यूलिन है, डेक्सट्रिन है। हेट्रो में हायलुरोनिक एसिड, पेक्टिन, हेपेरिन, हेमिसेलुलोज है। ठीक है, स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं, स्टार्च कहाँ पे, अपना ये अपना स्टार्च है, स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं, तो स्टार्च किससे मिलके बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, अब अमाइलोज की जो स्टार्च में परसेंटेज होती है वो 15-20% होती है, बाकी का 85% क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोज क्या होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, और यह है ब्रांच, तो यहीं पे अपना एक डिफरेंस बन गया कि अमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो अब ब्रांच है।
सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है, एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को बोला जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन के। कहां प्रेजेंट होता है? अपने लीवर में, मसल में, अब ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेलुलोज की बात करने वाले हैं कि ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, मतलब ह्यूमंस में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है ये बात। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में होता है, ह्यूमन यानी एनिमल्स लगा लो, एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, और क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट, है ना, प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, बनता कैसे है? स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज। देखो ये कौन कैसे बनता है ना, ये केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल में भी अपना कवर होगा। ठीक है, ये जो भी है ये अपना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है, ये यहाँ पे 5 स्टार लगा लेंगे, यहाँ पे हम स्टार लगा लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो स्टार्च है ना, स्टार्च है वो आयोडीन को ब्लू कलर देता है जबकि सेलुलर कलर नहीं देता है। उसका रीजन क्या है? स्टार्च में क्या होते हैं? हेलिक्स की फॉर्मेशन होती है। अब हेलिक्स जो बनेंगे वो क्या है? आयोडीन को होल्ड कर लेंगे और इसीलिए ब्लू कलर मिलता है। और यहाँ पे हेलिक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है लाइसिस की, तो क्या है? आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा और कलर भी नहीं दिखाई देगा। इसकी ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको, SBI यानी स्टार्च क्या है? ब्लू कलर देता है आयोडीन। अब कार्बोहाइड्रेट्स की लिंकेज में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैंने सारी लिंकेज को एक ही जगह पे लिख दिया। जैसे कि माल्टोज में क्या होगा? ओनली अल्फा ग्लूकोज होगा। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या होगा? बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज, यानी बीटा बीटा आ रही है दोनों चीजें। सुक्रोज में एक अल्फा आ रहा है, कौन? ग्लूकोज अल्फा आ रहा है। और फ्रक्टोज क्या आ रहा है? बीटा आ रहा है ना, ये तो पता ही है ना अपने को कि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। बस यहां पे क्वेश्चन क्या बना, अल्फा बीटा अपने को याद रखना है। तो माल्टोज में ओनली अल्फा, लैक्टोज में ओनली बीटा हो गया, और सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है। नेक्स्ट हम स्टार्च की अगर बात करें तो अमाइलोज में ओनली अल्फा, अमाइलोपेक्टिन में ओनली अल्फा, मतलब क्या है? स्टार्च में पूरे में ओनली अल्फा ग्लूकोज आपको दिखाई देगा। और स्टार्च के देखो हम बोलते हैं ना कि ये अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है किसकी? ग्लाइकोजन की। तो इसमें अल्फा है, तो भाई इसमें भी अल्फा अल्फा याद अपने को हो जाएगा। और सेलुलोज में ओनली बीटा बीटा होगा, है ना, सेलुलोज में ओनली क्या है? ओनली बीटा ग्लूकोज होगा। ठीक है, स्टार्च में ओनली अल्फा, ग्लाइकोजन में ओनली अल्फा। तो ये अल्फा बीटा की अपनी सारी कंफ्यूजन क्लियर है जो बार बार हमें कंफ्यूज करती है। ये कुछ बॉन्ड की कंफ्यूजन कर लेते हैं। देखो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरीके के बॉन्ड होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। प्रोटीन में पेप्टाइड, है ना, पॉलीपेप्टाइड ही तो होते हैं प्रोटीन, तो वहां पे पेप्टाइड पाई जाती है। और न्यूक्लिक एसिड में कैसी है? अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उस वाले चैप्टर में डिटेल में ही पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा देख लेते हैं जितना है ना। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं अपने, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। अब किसी भी न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है, और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब नाइट्रोजिनस बेस अपने को पता है प्यूरिन्स हो सकते हैं, पाइरिमिडिन्स हो सकते हैं। प्यूरिन कौन से होते हैं? ए एंड जी होते हैं, पाइरिमिडिन सी टी यू होते हैं। अब अपने को पता है डीएनए के अंदर क्या नहीं होता है? डीएनए के अंदर यू नहीं होता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर टी नहीं होता है। ठीक है, ये अपने को डिफरेंस पता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये बात हम यहां पे भी देख चुके हैं। अब इसमें से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दूं, बेस और शुगर बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? अपना न्यूक्लियोसाइड बच जाएगा। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा देखो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस में बताई है, मॉलिक्यूलर बेसिस में अच्छे तरीके से बताई है किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूं वहां पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने वो चैप्टर, कई दिनों से कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे इनके थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लो, तो ये वाली यूनिट पकड़ो, यहां से ये यूनिट पकड़ते हैं, तो देखो क्या चीजें थी, तीन चीजें थी ना एक न्यूक्लियोटाइड में, एक था बेस था, और क्या थी? ये पेंटोज शुगर आ गई, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, और यहां नेक्स्ट शुगर के साथ ये लिंकेज बन रही है। देखो यहां पे ये फॉस्फेट आया ना, तो यही तो बना रहा है क्या? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना रहा है। ठीक है, ये अपने को है। अब आगे बढ़ते हैं,
देखो ये आपके सामने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही क्या है, अपने पास पांच रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में, उनको कैसे करना है। देखो पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन अपने को क्या बताएगी, क्या बताएगी कि इसमें क्या है, छह कार्बन की स्ट्रेट चेन है। अब छह कार्बन देख लो, एक कार्बन ये हो गया है ना, दूसरा कलर लेते हैं, एक कार्बन ये हो गया, चार कार्बन ये हो गए और एक कार्बन ये हो गया, टोटल छह कार्बन हो गए। तो ये किससे हम पता लगाते हैं, ये एच आई के है ना, एच आई से रिएक्शन है एनसीईआरटी में। मैंने डायरेक्ट है ना क्रिस्प निकाल के रख दिया है कि ये इससे पता लगेगा, ये इससे पता लगेगा, डायरेक्ट रिएक्शन है तो ये HI से पता लगता है। नेक्स्ट है कि हम क्या है, इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस हम देखते हैं, ठीक है। अब कार्बोनिल प्रेजेंट, देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें हमें नहीं पता कि ये एल्डिहाइड है, हमें नहीं पता ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। तो हमने क्या है, NH2OH HCN से इससे ये तो देख लिया कि इसके अंदर की, इसके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट वो एल्डिहाइड है या कीटोन है ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। तो उसके बाद हम ब्रोमीन वाटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उससे क्या है क्लियर हो जाता है कि ये जो कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप था ये क्या था, एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड ये दिखाई दे CHO एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड था, ये हमें पता लग गया। नेक्स्ट हम एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाली रिएक्शन से क्या पता लगाएंगे कि इसमें क्या है, पांच OH ग्रुप हैं, पांच OH ग्रुप हैं जो कि अलग अलग कार्बन एटम पे लगे हुए हैं। देखो चार OH ग्रुप तो ये वाले हो गए, अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, और एक OH ग्रुप ये वाला हो गया, मतलब पांच OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, ये भी अपने को इससे पता लग गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑफ नहीं आएगा, विद आएगा, है ना, समझ गए ना फीलिंग। तो ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड से, उससे क्या पता लगेगा कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, देखो ये जो सारे कार्बन है ये कहीं ना कहीं दूसरे कार्बन से जुड़े हुए होंगे, है ना। यहां पे देख लेते हैं हम, यहां पे देख लेते हैं, मान लो ये कार्बन है तो जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है ये तो प्राइमरी हो नहीं सकते ना। जैसे ये कार्बन है, यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ, यहां भी कार्बन से, है ना, ये कार्बन है यहां भी कार्बन से, यहां भी कार्बन से, तो ये वाले कार्बन तो प्राइमरी हो ही नहीं सकते। तो कौन सा प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। तो यहां पे एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो नाइट्रिक एसिड से हमने पता लगाया, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं विटामिन, विटामिन फैट सोल्यूबल भी हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल भी हो सकते हैं। फैट सोल्यूबल कौन से होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोल्यूबल में बी वाले सारे आ जाएंगे, तो अपनी एनसीईआरटी में कौन से दिए हुए हैं, B1, B2, B6, B12, और विटामिन सी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इनका, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एक तो मेनली बीमारी का पूछा जाएगा कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये बीमारी हो जाती है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके दूसरे नाम का, है ना। जैसे विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनल होता है, विटामिन B1 का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B6 का पाइरोडॉक्सिन होता है, B12 का, ये NCERT में इतना नहीं दिया हुआ पर फिर भी आपको ध्यान रखने हैं, कोबालामिन होता है, C तो आपको याद होना ही चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, D भी याद कर लेना, कैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ट्रिक थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले दो तीन नामों में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो RTR ट्रिक लगा देना, RTR यानी R TR, ये अपनी ट्रिक लगा देना, थोड़ी सी कंफ्यूजन से बच जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो और बताता हूं, और देखो ये पाइरिडॉक्सिन, ऐसा नहीं लग रहा बेंजीन रिंग है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि केमिकल कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग छुपी हुई है, पाइरिडीन, पाइरिडॉक्सिन, ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा रिलेट कर लेना। अब बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, छह कार्बन होते हैं, तो ये छह यहां से याद आ जाएगा। अस्कॉर्बिक एसिड तो पता ही होता है, देखो विटामिन सी में, है ना, खट्टे फ्रूट होते हैं जो अपने, है ना, संतरा हो गया, नींबू हो गया, उनमें क्या होता है ना, ये होता है विटामिन सी होता है, तो एसिड होता है उनमें, एसिडिक होते हैं, ये तो अब पता लग ही जाएगा। कैल्सिफेरॉल, देखो कैल्शियम किसके लिए अच्छा होता है, हड्डियों के लिए, और विटामिन डी भी किसके लिए, हड्डियों के लिए, तो कैल्सिफेरॉल यहां से आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब देखो रेटिनल हम कहां पढ़ते हैं, अपना जो आई का मैकेनिज्म आता है ना, है ना, कहां पे, फोटोरिसेप्टर सेल और वो सब में होता था ना रेटिनल, तो मैकेनिज्म ऑफ विजन में, मतलब आंखों से लेना देना है। अब आंखों से लेना देना है तो इसकी कमी हो जाएगी, तो बीमारी भी आंखों वाली होगी, जैसे कि ऑप्थैल्मिया। देखो ऑप्थैल्मिया वर्ड आंखों के लिए यूज होता है, ये हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया का बोलता है, और क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, दोनों बीमारियां किसके लिए है, आंखों के लिए है, पता लग गया। थायमिन वाली कौन सी है, बेरी, थायमिन वाली कौन सी है, अबेरी, और राइबोफ्लेविन ये B2 वाली कौन सी है, B2 वाली चिलोसिस है, B6 वाली कन्वर्जेंस है, B12 वाली प्रीनिशियस अनीमिया, ठीक है। विटामिन सी वाली कौन सी है, सकरवी है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, है ना, सकरवी, ब्लीडिंग गम्स, है ना, ये दो मत भूलना, ये
दो मत भूलना, और कौन सी इसमें से सुपर हिट बता दूं ये मत भूलना, ये कभी भी नहीं भूलना, है ना। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आप कर सकते हो, पर ये एनसीईआरटी में दी हुई है तो भाई रिस्क नहीं लेना, याद होनी चाहिए। पर ये है जो सुपर हिट पूछी जाती है ना, सकरवी हो गया, रिकेटस हो गया, ये आंख वाली हो गई, बेरी बेरी हो गई, ये सब क्या है, सुपर हिट पूछी जाती है। जैसे कि विटामिन डी रिकेटस, रिकेटस में क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो अपनी हड्डियां क्या है ना, एक तरीके से हड्डियों में गड़बड़ी आ जाती है। ये मैं श्योरिटी देता हूं, गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आज तक जो भी आपको कंफ्यूजन होती थी कि कहां पे क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता इस चैप्टर में, वो आपकी एक एक कंफ्यूजन मैं निकाल के आपको यहां से भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी। देखिए एक कहानी है, कहानी जमीन की कहानी है। मान लो ये जमीन है अपनी, ठीक है, ये नीचे है, पूरी धरती है, ये पूरी धरती है, और अपनी धरती में एक मेटल पाया जाता है जिसका नाम है एम। अब जो एम जो नाम का मेटल है वो ए फॉर्म में भी पाया जाता है, एम नाम का मेटल बी फॉर्म में भी पाया जाता है, एम नाम का मेटल सी फॉर्म में भी पाया जाता है, एम नाम का मेटल डी फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, डी फॉर्म में भी पाया जाता है। अब अगर मैं आऊं और आपको बोल दूं कि भाई इस मेटल को जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है एम है, इस मेटल को निकाल के बताओ, इस मेटल को जमीन से निकाल के दिखाओ, क्योंकि मुझे उसका यूज करना है, मुझे उसके गहने बनाने हैं, मुझे उसका ना ग्रिल बनाने हैं, गेट बनवाने हैं, कुछ भी करना है, मेरे को उस मेटल का काम है। तो आप बोलोगे भी ठीक है भाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने एम ए को निकालने की कोशिश करी तो ये नहीं निकल पा रहा आपसे, ठीक है, नहीं निकला आपसे। आपने एम बी को निकालने की कोशिश करी तो ये आपका भाई बाहर निकल आया, ठीक है, और इसको निकालने में आपका खर्चा कितना आया, आपने कितना खर्चा किया, 10 रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है। एम सी को निकालने की कोशिश करी तो ये भी बाहर नहीं आया, एम डी को निकालने की, धरती से बाहर निकालने की कोशिश करी तो ये भी आ गया, बट यहां पे आपने कितना खर्चा कर दिया इसको निकालने में, 1,00,000 रुपए का खर्चा कर दिया, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अब यहीं पे डेफिनेशन किसकी आती है, यहीं पे डेफिनेशन आती है किसकी, मिनरल की, मिनरल एंड ओर, मिनरल एंड ओर, यहीं पे दो डेफिनेशन हमें आती है। देखो मिनरल क्या होती है कि मेटल जिस भी फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है वो मिनरल हो गई। तो जिस भी फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में भी पाया जा रहा है, इस फॉर्म में भी पाया जा रहा है, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी, मतलब ए वाली फॉर्म भी हो जाएगी, है ना, एम की यानी मेटल की ए फॉर्म भी हो जाएगी, प्लस बी फॉर्म भी हो जाएगी, प्लस सी फॉर्म भी, प्लस डी फॉर्म भी, ये तो मिनरल हो गई। अपने को कोई मतलब नहीं है वो निकलता है या नहीं निकलता है, अपने को कोई मतलब नहीं है। तो और क्या होती है, और वो होती है कि जिससे एफिशिएंटली, है ना, मतलब अपनी जेब पे भी इतना खर्चा ना पड़े, एफिशिएंटली उसको, है ना, कि ऐसी मिनरल, मेरी जी फिसल गई थोड़ी, है ना, मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनो, ऐसी मिनरल जिससे मेटल को आसानी से निकाला जा सकता है और कम खर्चे पे निकाला जा सकता है, उस मिनरल को क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। अब ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है। अब इनमें से कौन सी है जिनमें से निकाला जा सकता है, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और तो ए नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती। अब देखो यहां पे मान लो इस मेटल की, है ना, मान लो ये मेटल है, इस मेटल की कीमत कितनी है, 100 रुपए है, इस मेटल की कीमत है 100 रुपए। अब 100 रुपए की मेटल निकालने में अगर आप 1,00,000 का खर्चा कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है भाई, इसको भी हम नहीं निकालेंगे, तो ये भी अपनी ओर नहीं है। तो 100 रुपए की मेटल निकालने में 10 रुपए का खर्चा करोगे तो ये एक बढ़िया डील है, ये सही डील है। तो इस वाली मिनरल से हम इस मेटल को निकाल सकते हैं, तो ये वाली मिनरल क्या हो जाएगी, ये वाली मिनरल अपनी ओर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मिनरल और ओर की डेफिनेशन आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब आपके सामने ये जो और दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा कि ओर है, है ना, जो जमीन से अपने को निकालने हैं, और इसी से अपने को क्या मिलती है, मेटल मिलेगी अपनी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ओर के साथ क्या होगी, ऐसा तो नहीं है ओर ही निकलाएगी, डायरेक्ट मेटल ही निकलाएगी, उसके साथ क्या होगी भाई, इम्प्योरिटीज भी आएंगी, उसके साथ इम्प्योरिटी भी आएंगी, तो ये टोटल चीज अपने पास आएगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इम्प्योरिटी अपने को नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ ये चाहिए, है ना, सिर्फ मेटल ही अपने को निकालना है। तो भाई इस इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव करें, इसको कैसे रिमूव करें, तो इम्प्योरिटी को बोला जाता है क्या, बोला जाता है गैंग, बोला जाता है इम्प्योरिटी को गैंग बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं, बाहर से कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जो इस गैंग को निकाल दे। तो बाहर से जो चीज हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो ये गैंग यानी इम्प्योरिटी, ये फ्लक्स के साथ ऐसे बाइंड कर जाएगी, और बाइंड करके क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, बाइंड करके स्लैग बन जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ध्यान से रखना, देखो मान लो गैंग जो है वो एसिडिक नेचर का है ना, एसिडिक नेचर का है, तो फ्लक्स हम कैसा डाल देंगे, बेसिक नेचर का डाल देंगे, है ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएगा। और अगर ये बेसिक नेचर का है तो ये वाला हम फ्लक्स क्या डाल देंगे, एसिडिक डाल देंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएगा। तो ये भी बात हमने एक देख ली, ठीक है। अब चीजों को हम एक नए एंगल से देख लेते हैं, देखो मान लो हमने ना जमीन से क्या है, जमीन से हमने ये ओर निकाल ली और ये ओर इतने बड़े बड़े पार्टिकल अपने पास निकल के आ गए, है ना। मान लो हमने जमीन की खुदाई की और जेसीबी से ऐसे निकाल ली और इतने बड़े बड़े अपने पास ये निकल के आ गए, और इसमें क्या है, मेटल कहीं छुपी हुई है। ये ब्लू कलर वाली दिखा देता हूं, ये ब्लू कलर वाली इसमें मेटल है, ये इसमें ब्लू कलर वाली मेटल है, और जो ये रेड कलर वाली है ये एक तरीके से मिट्टी भी आएगी, है ना, मिट्टी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, इंप्योरिटी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते मेटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बड़े बड़े, है ना, एक तरीके से पत्थर से आ गए हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गई, ये अपने पास क्या थी, ओर थी, ये अपने पास क्या थी, ओर थी, ये ओर थी, ये भी ओर थी, ये भी ओर थी, तो ओर्स की हमने क्या कर दी, क्रशिंग कर दी, क्रशिंग ऑफ ओर्स। तो क्रशिंग जब करेंगे तो जाहिर सी बात है ये छोटे 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 छोटे, है ना, ऐसे पार्टिकल में टूट जाएगी, और इनके अंदर क्या है, ये अपनी मेटल छुपी हुई है। तो हमने क्रशिंग ऑफ ओर कर दी, ये अपनी मेटल छुपी हुई है, तो ये भी ओर है ना, पर ये छोटे छोटे हमने तोड़ दी, ऐसे ब्लू कलर वाली अपने पास मेटल छुपी हुई है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने बोला था ये रेड कलर की मिट्टी विट्टी है, ये रेड कलर की मिट्टी विट्टी लगी हुई है, तो मिट्टी विट्टी को साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो मिट्टी को जब हम साफ करेंगे तो अपने पास यहां ब्लू कलर वाला माल मसाला बच जाएगा। अभी मेटल नहीं मिली है, अभी मेटल मिलने में बहुत सारी प्रोसेस है, पर अभी अपने को मिट्टी विट्टी यहां पे साफ हो चुकी है। तो मिट्टी विट्टी को साफ कर दिया, मतलब हमने एक तरीके से कंसंट्रेशन कर दी है ओर की, ओर की कंसंट्रेशन मतलब अपने पास माल मसाला है, जो मेन माल मसाला है वो अपने पास मिल चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर बोलो ड्रेसिंग ऑफ ओर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने मिट्टी विट्टी यहां से निकाल दी, मान लो पानी से धो दिया, या और भी मेथड होते हैं, आगे वो डिटेल में देखेंगे क्या क्या मेथड होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये अपने पास आई है, अब मान लो जिंक का एग्जांपल लेते हैं, अब जिंक यहाँ पे अपने पास आ चुका है, कैसे, मान लो कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकता है, मान लो सल्फाइड की फॉर्म में भी हो सकता है ना, इस फॉर्म में यहाँ अपने पास ये अवेलेबल है, और अपने को अल्टीमेटली चाहिए क्या, अकेला मेटल चाहिए, यानी अपने को सिर्फ जिंक चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, ये कार्बोनेट और सल्फाइड को ये है, हटा दीजिए, ठीक है भाई हटा देते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे इनको हटाने के लिए, जैसे कि ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, इनकी क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो चाहे ये कार्बोनेट है चाहे सल्फाइड है, क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहां पे ये अपने पास ऑक्सीडेशन हो गई, है ना, ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करना है, अपने को खाली क्या चाहिए, जिंक चाहिए। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन, है ना, ऑक्सीजन को निकालने की प्रोसेस को रिडक्शन हम बोलते हैं। तो ये स्टेप हो जाएगा अपना, क्या है, रिडक्शन हो जाएगा, और अल्टीमेटली अपने को ये जिंक मिल जाएगी। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्या है, इंप्योरिटी रह जाती है, और उस इंप्योरिटी को फाइनल अपना क्या स्टेप है, रिफाइनिंग, फाइनल क्या है, रिफाइनिंग है। रिफाइनिंग से प्योर, बिल्कुल प्योर अपने पास ये जिंक मिल जाएगी। अब आपको एक बात बोलनी चाहिए कि तुझे ये जिंक अगर चाहिए थी तो डायरेक्ट इस कार्बोनेट को निकाल देता, डायरेक्ट इस सल्फर को निकाल देता, डायरेक्ट जिंक मिल जाती, तूने ऑक्सीडेशन क्यों की, पहले ऑक्सीडेशन की फिर रिडक्शन की, डायरेक्ट क्यों नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐसे रिड्यूस करेंगे ना, तो बहुत क्या है ना, वो बोलते हैं ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती है। और अगर हम इनका ऑक्साइड बना लेंगे पहले, फिर रिड्यूस करेंगे, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो यहां पे एक बार चीजें देख ली हमने क्या क्या किया, है ना, मैं स्टेप आपको गिनवा देता हूं। हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने क्रशिंग की, ठीक है। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या किया, कंसंट्रेशन की, है ना, ये इसमें क्या क्या होता है डिटेल में हम बात करेंगे, टेंशन मत लो। फिर हमने क्या किया, तीसरा स्टेप हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन की। अब फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, रिडक्शन की। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट स्टेप अपना पांचवा स्टेप रिफाइनिंग कर दी, है ना। ये अपने पांच स्टेप है, और यही अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब ये पांच स्टेप अपने को कैसे कैसे पढ़ना है, ये हम एक बार देख लेते हैं दोबारा से नए तरीके से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अभी अभी हमने पांच प्रोसेस देखी, और उन्हीं पांच प्रोसेस को मैं आपके सामने एक बार अलग तरीके से रिपीट करने वाला हूं। पहली प्रोसेस हमने देखी थी क्रशिंग ऑफ ओर, दूसरी थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरी कौन सी थी अपनी, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ओर्स, फिर क्या है, हम रिडक्शन कर देंगे किसकी, ऑक्साइड्स की टू मेटल्स, ठीक है। और फाइव हमने क्या देखी थी, रिफाइनिंग देखी थी। ये हमने पांच प्रोसेस देखी थी, ठीक है। अब इन पांच प्रोसेस में होने क्या क्या वाला है, वो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्रशिंग ऑफ ओर में कुछ नहीं है, वो ये क्रश कर दिया, सिंपल,
है, खत्म है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन O4, इसमें क्या क्या अपने को करना है, देखो तो हम ये कंसंट्रेशन जो है ना, मतलब इसका मतलब है ना, एक तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हैं उसकी, है ना, और की, ठीक है। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फिजिकल तरीके से कर सकते हैं, एक केमिकल तरीके से कर सकते हैं। अब फिजिकल तरीके से कौन से मेथड आएंगे अपने पास, एक ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड है, एक हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड है, एक फ्रोथ फ्लोटेशन का मेथड है। और केमिकल की बात करें तो केमिकल मेथड कौन सा हो जाएगा कंसंट्रेशन का, अपना लीचिंग वाला हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही है कि ये चैप्टर की ना ये ही मेन कंफ्यूजन है, कहां पे क्या था नाम ही नहीं अपने को पता होते, तो बेसिक ये फ्लो हमेशा याद रखना है तो चीजें दिमाग में एकदम क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन की बात करें, है ना, कि जो मेटल और है उनकी अपने को क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन करने के दो तरीके हैं, एक कैल्सिनेशन होता है, एक रोस्टिंग होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं मैं डिटेल में भी आगे बताऊंगा, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, लीचिंग क्या है, ये क्या है, ये क्या है, डिटेल में भी बात करेंगे, पर ये एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हम रिडक्शन करेंगे, है ना, कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये क्या है, मेटल और के हम ऑक्सीडेशन कर चुके हैं, मेटल के ऑक्साइड बन चुके हैं, अब उनको क्या है हमें रिड्यूस करना है, किसमें, अपने को फाइनली मेटल्स चाहिए, ठीक है। अब कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, स्मेल्टिंग कर सकते हैं, रिडक्शन बाई H2 कर सकते हैं, रिडक्शन बाई मेटल्स कर सकते हैं, ऑटो रिडक्शन हो सकती है, ये रिडक्शन के मेथड है। नेक्स्ट हम रिफाइनिंग, है ना, लास्ट में क्या करेंगे कि थोड़ी बहुत इंप्योरिटी, थोड़ी बहुत जो बच गई है उसको भी बिल्कुल रिमूव कर देंगे और प्योर मेटल अपने को मिल जाएगा। तो रिफाइनिंग करेंगे, और रिफाइनिंग में क्या क्या आ सकता है, लिक्विडेशन आ सकता है, डिस्टिलेशन आ सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो सकती है, वेपर फेज रिफाइनिंग हो सकती है, और ओजोन रिफाइनिंग हो सकती है, ठीक है। एक और होती है, पर वो अपने +1 वाले क्या है ऑर्गेनिक में दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है अपना पूरा ओवरव्यू, इसको दिमाग में छाप लीजिए कैसे कैसे है ना, ये नाम कंफ्यूज आपको कभी भी नहीं करने चाहिए कि कैल्सिनेशन कहां थी, रोस्टिंग कहां थी, लीचिंग कहां थी, स्मेल्टिंग कहां थी, लिक्विडेशन कहां थी, जोन रिफाइनिंग कहां थी, ये एक बार फिर से ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, कैसे बात करेंगे, पहले कि ये फिजिकल में क्या क्या होता है, केमिकल में क्या क्या होता है, लीचिंग में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, और रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें इसमें, और फिर क्या है इसमें क्या, इसमें 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 इसमें, है ना, समझ गए ना, मेरी फीलिंग समझ गए, भावनाएं मेरी समझ गए है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब वही स्टेप अपने, ये अपना पहला स्टेप था, ठीक है, क्रशिंग ऑफ ओर, इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्रश करना है ना। और सेकंड स्टेप अपना कौन सा था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन में हमने दो तरीके से देखे थे, एक फिजिकल मेथड देखा था, एक केमिकल देखा था। केमिकल वाले में क्या था, लीचिंग था, और फिजिकल वाले में क्या थे, तीन थे। पहला कौन सा था, हमने देखा था हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा क्या हो सकता है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा क्या हो सकता है फ्रोथ फ्लोटेशन। तो बेसिकली इसमें अपने को करना क्या है, बेसिकली इसमें को करना क्या है, अपने को जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी है उसको निकालना है। अब उसको कैसे निकाले इम्प्योरिटी को, ठीक है, तो सिंपल है, हाइड्रोलिक वॉशिंग तो नाम से ही पता लग रहा है, वॉशिंग मतलब है ना सिंपल, क्या करना, इम्प्योरिटी है जैसे कि मिट्टी है, सिलिका है, उसको क्या है इम्प्योरिटी को धो दिया, मतलब है ना वॉश कर दिया, तो पानी के साथ इम्प्योरिटी बह जाएगी। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो इसमें तो होता तो मैग्नेटिक रोलर है, पर अपने को ना MCQ में मैग्नेटिक रोलर का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पर अपने को यहां पे समझना जरूर है कि इसमें होता क्या। देखो इसमें होता क्या, मान लो ये ब्लू कलर की क्या थी, मेटल थी अपने पास, है ना, ये मेटल के पार्टिकल्स हैं, मेटल के, और इन मेटल्स के बीच ये ब्लैक कलर की क्या है इंप्योरिटी है, ये ब्लैक कलर की क्या है इंप्योरिटी है। अब हम क्या करते हैं, देखो जो ये ब्लू कलर की मेटल है, ये ब्लू कलर की मेटल है, ये कैसी प्रॉपर्टी है इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और जो ब्लैक कलर की इंप्योरिटी है वो कैसी है, वो कैसी है नॉन मैग्नेटिक है, ये अपने पास चीज बन के आई, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है कि जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक हो और जो ब्लू कलर की अपनी मेटल है ना इसमें जो दिखाया वो नॉन मैग्नेटिक हो, उल्टा भी हो सकता है इसके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक जो आइडिया है देसी भाषा में बताता हूं, मान लो यहां पे चुंबक लगा देते हैं, यहां पे हमने ये क्या लगा दी, मैग्नेट लगा दी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें ब्लू कलर वाली मेटल में क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो ये मैग्नेट से चिपक जाएगी, ये मैग्नेट से चिपक जाएगी, और इंप्योरिटी ब्लैक कलर वाली नॉन मैग्नेटिक है वो उससे अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं मैग्नेटिक रोलर में, ठीक है, यही बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे खिचड़ी खिंडा दी है, खिंडा दी समझते हो आप, नॉर्थ इंडियन तो समझ ही जाते होंगे, है ना, गिरा दी है मतलब फैला दी है मतलब, समझ गए ना, ठीक है। अब तीसरा अपना मेथड क्या है, तीसरा क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन। देखो फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग बना दी है ना, मैंने यहां पे लिखा है झाग का खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, झाग का खेल चल रहा है। होगा क्या, देखो अब देखो इसको देसी भाषा में समझते हैं। देखो मान लो ये एक ऐसे कंटेनर बना देते हैं, ठीक है, अब देखो मान लो ये ब्लू कलर की क्या थी अपनी मेटल थी, ब्लू कलर की मेटल थी, और मेटल में ये ब्लैक कलर की क्या है इंप्योरिटीज है, तो इसको पूरे माल मसाले को हमने डाल दिया, इसमें डाल दिया,
ठीक है। और इसमें हमने क्या डाल दिया भाई, और इसमें हमने डाल दिया पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, और हमने इसमें ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, सारी चीजें यहाँ पे डल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। अब हम इसको क्या है, एक तरीके से वो देखा है ना आपने कि दही है और दही में हम वो है ना मधानी चला देते हैं तो घी ऊपर आ जाता है और लस्सी नीचे रह जाती है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा है ना। मान लो ये मेटल के पार्टिकल है, मेटल के पार्टिकल को कौन है, ये ऑयल है, तेल है, ये इनको वेट कर देगा, ठीक है। इंप्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। और इसको हम तेज घुमा देंगे तो झाग बनेंगे, झाग बनेंगे तो झाग के साथ क्या है, ये जो अपना मेटल है, ये जो अपना मेटल है, अबे ब्लू कलर आ जा बेटा, ठीक है, ये मेटल है, इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, और उस झाग को हम क्या है निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे, और अपनी मेटल्स उसमें आ जाएंगी और इम्प्योरिटीज बेचारी बेचारी इस पानी में रह जाएंगी, ठीक है। तो ये झाग बनाना है अपने को, यही है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। और यहां पे एक बात लिखी गई है, क्या है कि फ्रोथ जो ये झाग बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम रिमूव करने लगे और वो जो बुलबुले बने थे, झाग बना था वो ना फूट गए बुलबुले और दोबारा से वो काम अपना खराब हो गया, तो ये जो झाग है इसको स्टेबल करना पड़ता है, फ्रोथ यानी झाग को स्टेबल करना पड़ेगा। और इसको स्टेबल करने के लिए है ना जैसे कि क्रिजोल, एनिलीन, इनका यूज किया जाता है। तो ये था अपना फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो हम फिजिकल मेथड देख चुके हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, केमिकल मेथड देखने वाले हैं, जिसमें अपने क्या आएगी, लीचिंग आएगी। केमिकल मेथड में क्या है अपने को पढ़नी है, लीचिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, केमिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पे लीचिंग में हम किस किस के साथ खेलेंगे, एल्यूमिनियम के साथ, गोल्ड के साथ एंड सिल्वर के साथ खेलेंगे, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट क्या, वही कंसेप्ट है, अपने पास ओर थी विद इंप्योरिटीज है ना, मेटल्स के साथ इंप्योरिटी थी, अपने को इंप्योरिटी को निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, यहां पे लीचिंग एजेंट का यूज करेंगे है ना, लीचिंग है तो लीचिंग एजेंट का यूज करेंगे। अब ये लीचिंग एजेंट करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये इस ओर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जबकि ये इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये इस ओर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एक सोल्यूबल सोल्यूबल चीज बना देता है, मतलब जो उसमें घुल जाएगी, ठीक है। और इंप्योरिटीज जो है ना, अलग कलर ले लेता हूं, जो ये इंप्योरिटी है ये इनसोल्यूबल रह जाएगी। अब ये सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है, तो आप इजीली इनको छान लीजिए, आपका सिस्टम अलग अलग हो जाएगा, आपके पास अपनी ओर आ चुकी होगी, ठीक है। तो अभी अभी हमने बात की, इसको एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए यूज किया जाता है। अब एल्यूमिनियम के लिए कैसे कैसे है, रिएक्शन कैसे कैसे दी हुई है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम की कौन सी ओर होती है ना, एक मान लो ये रेड बॉक्साइट है और एक क्या है, व्हाइट बॉक्साइट है। अब रेड बॉक्साइट के अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो क्या होती है, Fe2O3 की इंप्योरिटी होती है, और व्हाइट बॉक्साइट के अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो क्या है, सिलिका की यानी SiO2 की इंप्योरिटी होती है, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि रेड बॉक्साइट के अंदर है ना ये इंप्योरिटी है, तो इसको निकालने के लिए जो लीचिंग एजेंट है, LA मतलब लीचिंग एजेंट है, वो क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, वो NaOH भी यूज किया जा सकता है और Na2CO3 भी यूज किया जा सकता है। पूरा खेल समझ रहे हो ना, रेड बॉक्साइट में ये वाली इंप्योरिटी है, इसको निकालने के लिए दो तरीके के, ये पहला लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम, ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने NaOH यूज किया है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, क्या बेयर्स प्रोसेस बोल देंगे, और Na2CO3 वाली को हॉल्स प्रोसेस बोल देंगे। और इधर जो इंप्योरिटी क्या है, सिलिका की इंप्योरिटी है व्हाइट बॉक्साइट में, तो इसको रिमूव करने के लिए लीचिंग एजेंट जो है वो कार्बन प्लस नाइट्रोजन ये यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, सरपेक्स प्रोसेस बोल दिया जाता है। ये पूरा एल्यूमिनियम का खेल चल रहा है। एल्यूमिनियम में थोड़ा सा ऐसे है, नाम अपने को याद करना पड़ता है, गोल्ड और सिल्वर में कुछ नहीं है, इतना सिंपल है कि गोल्ड और सिल्वर में लीचिंग एजेंट जो यूज किया जाता है वो क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN एंड KCN, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN एंड KCN, ठीक है। अब अपनी स्टेप्स वाली चीज एक बार फिर से याद करो है ना, पहला स्टेप था अपना, फिर दूसरा स्टेप कंसंट्रेशन वाला था ना, पहले में हमने क्या किया था, क्रशिंग की थी, दूसरे में कंसंट्रेशन की थी, और तीसरे में अपने को क्या करना था, ऑक्सीडेशन करना था है ना, और फोर्थ में अपने को क्या करना था, रिडक्शन करना था, और फिफ्थ में अपने को रिफाइनिंग करनी थी। तो पहला हम कर चुके हैं, दूसरा हम कर चुके हैं, दूसरे में हमने किया ना फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड है ना, केमिकल में हमने लीचिंग तक हम कर चुके हैं। अब आया अपना तीसरा स्टेप आ चुका है, ये अपना तीसरा स्टेप आ चुका है जिसमें हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं मेटल ओर की, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। अब ऑक्सीडेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं, एक हम रोस्टिंग कर सकते हैं। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड होती है ना, अगर ये वर्ड लिखा जाए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो भी ठीक माना जा सकता है, बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये सही रहेगा, ठीक है। अब रोस्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन या फिर एयर भी लिखा सकता है ना, ऑक्सीजन की जगह एयर भी आ जाए तो वो एक ही बात है, लगभग वो सिमिलर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग में क्या
क्या होगी, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी और कैल्सिलेशन में ऑक्सीजन की है ना कम सप्लाई होगी, लिमिटेड सप्लाई होगी, है ना। तो ये रिएक्शन कुछ दी हुई है ना, ये रिएक्शन कुछ दी हुई है, क्या है हमने ऑक्सीडेशन कर दी है मेटल ओर की। देखो ऑक्सीडेशन कर दी यानी जिंक का ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन कर दी यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन चुका है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन कर दी जिंक का ऑक्साइड, ये PbO, ठीक है। वो तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई गई है और वहां पे नहीं दिखाई गई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो ये तीसरा स्टेप भी हुआ, ठीक है। और फोर्थ स्टेप अपना क्या कहता है, रिडक्शन। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि जो ये ऑक्साइड बन चुके हैं, अब इनका अपने को क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन से फाइनली अपने को क्या मिलता है, मेटल मिलता है। फिर भी मेटल में थोड़ी बहुत वो रह जाती है इंप्योरिटी, फिर हम फाइनली उसकी रिफाइनिंग करेंगे और प्योर मेटल अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब रिडक्शन में अपने को क्या क्या करना था, याद करो, स्मेल्टिंग कर सकते हैं, रिडक्शन बाई H2, रिडक्शन बाई मेटल्स, सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो कौन होता है, कार्बन होता है। और रिडक्शन बाई H2 किसके केस में की जाती है, निकल के केस में की जाती है। और रिडक्शन बाई मेटल्स क्या है ना, देखो मेटल्स के ऑक्साइड को मेटल्स ही क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो एक ये नाम याद रखना, अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है, गोल्ड शीट कुछ भी बोल लो इसको, समझ गए ना आप, एल्यूमिनोथर्माइट। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, ठीक है। और सेल्फ रिडक्शन क्या है, जो HgNPB, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का खेल चल रहा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं, मतलब वो रिड्यूस हो जाएंगे, खुद ही रिड्यूस होना खुश करेंगे, पसंद करेंगे, ठीक है। तो वही है सेल्फ रिडक्शन है, ठीक है। अब लास्ट अपना क्या आता है, रिफाइनिंग आता है, लास्ट है अपना रिफाइनिंग आता है। अब इसमें क्या क्या है, अपने पास डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब डिस्टिलेशन किसकी किसकी की जाती है, तो जिन मेटल्स का क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनकी डिस्टिलेशन की जाती है, जैसे कि जिंक हो गया, मरकरी हो गया। लिक्वेशन किसकी किसकी की जाएगी, जिन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, यहाँ पे क्या था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि टीन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक किसकी की जाती है, कॉपर और जिंक की जाती है, यहां पे मैं 10 स्टार लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपर एंड जिंक अपना, ठीक है। जोन रिफाइनिंग किसकी की जाती है, देखो सिलिकन हो गया, बोरोन हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब आप याद कीजिए, क्या हम इनको सेमी कंडक्टर में पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर में, तो याद रखना सेमी कंडक्टर का लेना देना है तो जोन रिफाइनिंग में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वेपर फेज रिफाइनिंग की बात करें, वेपर फेज रिफाइनिंग, तो इसमें क्या क्या आएगा, अपने पास मोन्स प्रोसेस आएगी एंड वेन आर्कल मेथड आएगा। अब ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ पे 50 स्टार लिख देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोड्स प्रोसेस में कौन था, किसका लेना देना था, निकल का लेना देना था, और वेन आर्कल में जिंक या फिर टाइटेनियम का लेना देना होता है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने बेसिक स्टेप देख लिया कि है ना कि पूरे चैप्टर में ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब अपनी NCERT में क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे मेटल हैं, 2-3 ऐसे मेटल हैं जिनके बारे में ना पूरा अलग से दी हुई है कि इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, है ना, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि आयरन के बारे में अलग से दिया हुआ है, और किसके बारे में दिया हुआ है, कॉपर के बारे में अलग से दिया हुआ है, और जिंक के बारे में अलग से दिया हुआ है। तो अब हम इन तीनों के बारे में देखने वाले हैं। देखो जिंक के बारे में तो एक ही लाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इनके बारे में थोड़ा अच्छा खासा दिया हुआ है, तो इनको देख लेते हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी, मैं है ना गारंटी देता हूं, दिक्कत नहीं आएगी, आपके माइंड में फिट करा के भेज दूंगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले किसके साथ, आयरन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर हम करेंगे कॉपर, और जिंक की तो लाइन ही एक दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एलिंगम डायग्राम भी उसके बाद हम फिर थोड़ा देख लेंगे कि उसमें से एक दो बातें ही निकल के आती है, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, फिर हम वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, आयरन के साथ। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सट्रैक्शन किस में होती है, तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग फर्नेस, ठीक है। तो उसमें होता है आयरन का सारा काम, है ना, इसमें भयंकर तरीके से आग लगा दी जाती है, तो टेम्परेचर इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहां मुद्दे की बात है कि ब्लास्टिंग फर्नेस में क्या होता है, कैसे होता है, आयरन की एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, उसको कैसे समझना है। देखो यहां पे अपने पास आयरन क्या है, आयरन कैसे है, अपने पास ये है Fe2O3 है, ठीक है। अब इसमें इंप्योरिटी है ना, ये इसमें यहाँ पे आयरन है अपने पास, अल्टीमेटली अपने को चाहिए क्या, Fe यानी आयरन, अपने को मेटल चाहिए, तो ये ऐसे है, और इसमें इंप्योरिटी किसकी है, सिलिका की इसमें इंप्योरिटी है ऐसे, ठीक है। तो फाइनली अपने को ये Fe चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा माल मसाला प्लस क्या है कार्बन, हम लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है,
ठीक है। तो ये तीन चीजें, पहली चीज ये हो गई, पहली चीज ये होगी, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को किस में डाल देंगे, इन तीनों को किस में डाल देंगे, ब्लास्टिंग फर्नेंस में डाल देंगे। वहां पे जोन बनेंगे, अलग अलग जोन बनेंगे, मैं आपको उनके नाम भी अब बता दूंगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने कैस में डाल दी, अब ब्लास्टिंग फर्नेंस में डाल दी, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये कैल्शियम है ना, देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस में टूट जाएगा, ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ठीक है। तो यहां अपने पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है, ठीक है। और यहां अपने पास क्या है, देखो ये Fe2O3 है, प्लस क्या है, इंप्योरिटी क्या है, SiO2 है। अभी कार्बन को होल्ड पे रख दीजिए। अब देखिए यहां पे ये इंप्योरिटी है, हमें इसको रिमूव करना था, निकालना था, और यहां पे क्या बन चुका है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है। तो ये दोनों आपस में मिलके, अब याद आया मैं वो बता रहा था स्लैग बनता है, गैंग स्लैग, वो याद आया, तो वही कंसेप्ट है यहां पे, ठीक है। ये इंप्योरिटी थी, ये क्या थी, इंप्योरिटी थी, ठीक है। और ये इसके साथ मिलके अब क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। हमने ये वाली इंप्योरिटी को क्या है, रिमूव कर दिया है। अब अपने पास क्या है, ये बचा है, सिर्फ अपने पास Fe2O3 बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और फिर हम आयरन को, ये जो आयरन छुपा हुआ है यहाँ पे, है ना बदमाश, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने की पावर किसमें है, यहां अपने पास कार्बन में पावर है। अब कार्बन की पावर कैसे आएगी, देखो जो ये कार्बन है, जो ये कार्बन है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना देगा, क्या बना देगा, CO2 बना देगा, ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई कार्बन है ना, और भी तो कार्बन है, वही कार्बन थोड़ी था, खत्म थोड़ी हुआ है। तो ये कार्बन कोई है, इस वाली CO2 के साथ, इस वाली CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा भाई, देख लो, बैलेंस कर लो, क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो यहां अल्टीमेटली क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने पास बन चुकी है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, एक तरीके से रिडक्शन का काम करती है, रिडक्शन का काम करती है। किसकी रिडक्शन होगी, अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, इस Fe2O3 को रिड्यूस करेगी। कैसे रिड्यूस करेगी, कैसे रिड्यूस करेगी, देखो Fe2O3 था अपने पास, मैंने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। पहले किसमें रिड्यूस कर देगी, Fe3O4 में रिड्यूस कर देगी, ठीक है। अब इसको फिर से आप क्या करिए, है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लू कलर से कर देता हूं, फिर से इसको कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कर देंगे, फिर से इसकी रिडक्शन हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, FeO में इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे इसको फिर से आप क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस कर देंगे, तो ये अल्टीमेटली अपना क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली अपने को आयरन मिल जाएगा, और आयरन ही अपने को चाहिए था, आयरन ही अपने को चाहिए था। अब ये कहां पे बना है, अपना कहां पे बना है, ये आयरन ब्लास्टिंग फर्नेंस में बना है ये आयरन। अब ब्लास्टिंग फर्नेंस से जो ये आयरन निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिग आयरन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिग आयरन बोलते हैं। और पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 4% होती है। अब इस पिग आयरन से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, क्या मिल सकता है, इस पिग आयरन से हमें मिल सकता है कास्ट आयरन, इससे मिल सकता है कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन की परसेंटेज रहेगी 3%। और इस कास्ट आयरन से हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मिल जाएगी, इधर है ना, कि इनमें से सबसे प्योर जो होगा वो होगा रोट आयरन, रोट या रोट कुछ भी बोलो, अंग्रेजी आपको मेरी पता ही है कितनी खतरनाक है। तो ये बन जाएगा अपना रोट आयरन, ठीक है। तो समझ गए, ब्लास्टिंग फर्नेंस से अपने को क्या मिला था, ये वाला आयरन मिला था, जिसको पिग आयरन बोल रहे हैं। पिग आयरन से हमें कास्ट आयरन मिला और फिर रोट आयरन मिला, ठीक है। अब यहां पे जोन देखते हैं, जोन कैसे कैसे बनेंगे, देखो जोन कैसे कैसे बनेंगे, देखो अब जोन समझते, देखो यहां पे रिएक्शन देखो, जो ये रिएक्शन हुई थी ना, ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और CO2 की फॉर्मेशन हुई, CO2 की फॉर्मेशन हुई, इसको हम बोलते हैं जोन, जोन ऑफ कंबस्टन, जोन ऑफ कंबस्टन ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहां पे जहां पे अपनी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी, जिसमें जिस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बनी है, ये क्या हो गया, जोन ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन, जोन ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन ये वाला जोन हो गया, ये जोन ऑफ कंबस्टन ये वाला हो गया जोन ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये पूरे में हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन ही तो कर रहे थे, ये पूरे में हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे। रिडक्शन किसकी हेल्प से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से हम क्या कर रहे थे, यहां पे रिडक्शन कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, जोन ऑफ,
जोन ऑफ रिडक्शन हो जाएगा। तो ये सारे जोन भी हमने देख लिए, सारी रिएक्शन भी हमने देख ली, किस तरीके से क्या क्या हुआ, है ना। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठा होगा। ये अपने आयरन की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे, अब हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, कॉपर की बात करनी पड़ेगी कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो देखो बेसिक स्टेप तो हम पहले फॉलो कर लेंगे कि, है ना, कॉपर को हम क्या कर देंगे, पहला स्टेप था ना उन्होंने क्रश कर दिया, दूसरे स्टेप में क्या था अपना, मान लो वो फ्रोथ फ्लोटेशन पड़ा था, फ्रोथ फ्लोटेशन कर दिया, फिर आगे हमें क्या है तीसरे स्टेप में क्या करनी थी, ऑक्सीडेशन करनी थी, तो हम यहां ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन में अपने पास दो चीजें आई थी, कैल्सिनेशन आई थी, रोस्टिंग आई थी, ठीक है। अब यहां पे अपने को क्या करने हैं, हम कौन से स्टेप तक पहुंच चुके हैं, हम कौन से स्टेप तक पहुंच चुके हैं, रोस्टिंग तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और रोस्टिंग तक अपने पास कैसे अवेलेबल है कॉपर, हमारे पास अवेलेबल है इस तरीके से, कुछ अवेलेबल है इस तरीके से। टेंशन मतलब मेरे को याद नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, ना याद नहीं है, सामने मैंने पेज रखा हुआ है, उस पर लिख रखा है, रिएक्शन वहां से देख रहा हूँ, है ना, सच बोल रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं है, ठीक है। कहीं सोचो ये रिएक्शन कैसे लिख रहा है, ठीक है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके दिमाग में फिट करा के भेजूंगा, वो है मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। अब देखो यहां पे अपने को करनी है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता था, हमने देखा था कि ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई होती थी, और ये है अपने को ऑक्सीजन दिख रही है। अब रोस्टिंग के रिजल्ट से बनना क्या चाहिए था, टेक्निकली बनना क्या चाहिए था रोस्टिंग के रिजल्ट से, है ना, ऑक्सीडेशन की है तो मेटल का क्या बनना चाहिए था, ऑक्साइड बनना चाहिए था, पर यहां पे ये कॉपर वाले में थोड़ा गेम हो जाता है ना, ऑक्साइड नहीं बनता है, कुछ और ही बन जाता है। क्या बन जाता है, कुछ ऐसी चीजें बन जाती है, जैसे Cu2S बन जाता है, FeS बन जाता है, और क्या है SO2, है ना, इस तरीके की चीजें बन जाती है। बनना क्या चाहिए था, कॉपर का ऑक्साइड बनना चाहिए था, पर ये बन गया। अब यहां पे जो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर मैट बोल लो या मैटे बोल लो, कुछ भी बोल लो, अंग्रेजी आपको मेरी पता ही है, कॉपर मैटे इस चीज को बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम कॉपर कहा ना, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने जाते हैं तो कॉपर ही ज्यादा होगी, है ना, कॉपर वाला ये चीज ज्यादा होगी, और आयरन वाली क्या होगी, कम होगी, है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि निकालना तो अपने को कॉपर है ना, तो कॉपर में ही तो हाथ मारेंगे हम, आयरन तो उसके साथ है, बस ऐसे ही बिना बात पे आ चुका है, ठीक है। अब ये चीज बन गई, अब इसमें से अपना टारगेट क्या है कि भाई साहब इस कॉपर को निकाले कैसे इसमें से, तो यहां पे एक चीज आती है जिसका नाम है बेसमराइजेशन। इसका नाम क्या है यार, राइटिंग के लिए थोड़ा माफ कर देना, साथ साथ लिखने में ना राइटिंग मेरी बेकार ही आती है, बेसमराइजेशन। अब बेसमराइजेशन में क्या करेंगे, हम हॉट एयर का यूज करेंगे। अब हॉट एयर है, यानी इसमें ऑक्सीजन रही होगी, ठीक है, अब एयर है तो ऑक्सीजन रही होगी। अब क्या करेंगे, देखो इसके साथ भी हमें ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी है ना, दो चीजें ना अपने साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो एक है अपने पास Cu2S, एक है अपने पास Fe2S, ठीक है, तो दोनों की रिएक्शन हम क्या करते हैं, ये बेसमराइजेशन हॉट एयर है ऑक्सीजन के साथ भाई साहब करा देते हैं, ठीक है। अब इससे अपने को क्या मिलेगा, Cu2O, है ना, ये मिलेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी ना, और कोई रिएक्शन तो पॉसिबल बन नहीं रही ना, यही रिएक्शन बन रही है ना, ये कॉपर यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ गया, सल्फर ऑक्सीजन को लेके इधर निकलेगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा, सेम तरीके से बना दो, है ना, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या है ना, वही निकल देगी, गैस तो एक ही निकल सकती है, पॉसिबिलिटी ही एक बन रही है, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड इधर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसमें जो इम्प्योरिटी होती थी, है ना, ये पूरे में इम्प्योरिटी भी तो थी, इम्प्योरिटी किस चीज की थी, सिलिका की इसमें इम्प्योरिटी थी। अब ये सिलिका जो SiO2 है वो किसके साथ इसके साथ बाइंड कर जाएगी, और ये क्या बन जाएगा अपना, फाइनली FeSiO3। तो ये अपनी सिलिका यानी इम्प्योरिटी भी निकल गई, ये अपना आयरन भी निकल गया। अब अपने पास क्या है, ये कॉपर का ऑक्साइड है, और थोड़ा बहुत है ना, ये खत्म नहीं हुआ, ये भी होगा, है ना, अपने पास दो चीजें हैं, एक ये अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं, और इस रिएक्शन पे नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। तो ये है ना, ये अपने पास सल्फाइड है, और ये क्या है, ये ऑक्साइड है। अब इनकी रिएक्शन करवाने से अपने को फाइनली क्या बनेगा, अब कॉपर मिल जाएगा, और इधर बच क्या गया, पॉसिबिलिटी ही एक बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये अपने को फाइनली कॉपर मेटल मिल गया, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें थोड़ी सी दिमाग में बैठी होंगी, चीजें समझ में आई होंगी, है ना।
नेक्स्ट हम जिंक की बात करने वाले, मैंने बोला था ना आयरन कॉपर एंड जिंक, और मैंने एक बात और बोली थी जिंक के बारे में, एनसीईआरटी में चेक कर लो, कुछ खास लिखा ही नहीं हुआ है, कुछ खास लिखा ही नहीं हुआ है, बस एक बात लिखी गई है कि जिंक की एक्सट्रैक्शन में जो रिडक्शन के लिए यूज होता है वो किसका यूज होता है, कार्बन का यूज होता है, कार्बन या फिर क्या बोलो कोक बोलो, कार्बन या फिर कोक है ना, रिएक्शन कैसे बन जाएगी, रिडक्शन हम ऑक्साइड की तो करेंगे, तो जिंक का ऑक्साइड है तो उसकी कार्बन के साथ रिडक्शन कर देंगे तो ये अपने पास जिंक मिल जाएगा, ये जिंक मिल जाएगा, ये अपने को अल्टीमेटली चाहिए था, ये जिंक मिल गया। ठीक है, ये अपना था पूरा चैप्टर, है ना। एलिंगम डायग्राम एक बार थोड़ा देख लेते हैं, है ना, उसमें एक दो ही बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, अब फिर अपना चैप्टर अब फिनिश है। अब देखो ये है अपना एलिंगम डायग्राम, इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ ही है ये, है ना, क्या है ग्राफ, एक इसके बीच में है डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के बीच में है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है, देखो यहाँ पे देखो ऐसे चल रहा था, मान लो ये लाइन ऐसे चल रही थी, ऐसे चल, है ना, स्ट्रेट लाइन चल रही थी, फिर एकदम से इसमें ऐसे चेंज आ गया ना, एकदम से चेंज आ गया। अब जो ये एकदम से चेंज आने वाले पॉइंट है, ये क्या दिखा रहे हैं कि एकदम से चेंज कि या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, या तो वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये एकदम से चेंज वो दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये एकदम से चेंज अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये एक बात हो गई जो हमें ध्यान में रखनी है। अब आती है इस ग्राफ की सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात आती है, देखो वो क्या बोलती है, देखो जो मेटल नीचे है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मेटल नीचे है वो ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, यहां पे कौन सा है नीचे मेटल, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बता देता हूं, यहां पे मैग्नीशियम है और ऊपर क्या है एल्यूमिनियम है, और यह क्या है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो क्या बोलता है, जो मेटल नीचे है यानी मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मैं लिख देता हूं यहां पे Al2O3, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, और नीचे कौन सा मेटल था अपना, मैग्नीशियम था। बैलेंस आप करते रहना, है ना, बैलेंस आप करते रहना। तो मैंने क्या बोला, जो मेटल नीचे है जैसे कि उसमें क्या है मैग्नीशियम नीचे है एल्यूमिनियम ऊपर है, वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी खुद ऑक्साइड बना लेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। देखो हम क्या है, पहले हम पढ़ेंगे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, अच्छे तरीके से जानेंगे समझेंगे, और जो चीजें याद करने की है याद करेंगे, समझने की है समझेंगे, फिर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ अपना, है ना, क्या बोलते हैं, प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान करेंगे। ठीक है, ये अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सारे आपको याद ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये वाली लाइन जरूर याद होनी चाहिए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये वाली जरूर जरूर हमेशा के लिए याद होनी ही चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमें पता है डी ब्लॉक में देखो इधर कौन से एलिमेंट आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, बीच में आए अपने डी ब्लॉक, है ना, पूरी पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं, और इधर आ जाएंगे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। तो एस और पी के बीच कौन से विराजमान है अपने डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो एक चीज होती है जिसका नाम है, एक चीज होती है केमिस्ट्री में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ लेंगे तो आधी से, है ना, हाफ ऑफ द थिंग्स, इंग्लिश में बोलता हूं मैं, हाफ ऑफ द थिंग्स विल गेट, क्या बोलेंगे, Completed. अब हम सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। देखो एक बात हमें लॉजिक से पता है कि यहाँ पे अपने S ब्लॉक एलिमेंट्स थे, यहाँ पे अपने P ब्लॉक एलिमेंट्स थे, और S ब्लॉक में यहाँ पे जो एलिमेंट था वो कौन सा था, वो कैल्शियम था, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे 20 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 21, ये 21, फिर 22, 23, 24, 25 एंड आगे आगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी सी बात हमें पता चल गई कि स्कैंडियम कितना है, 21 है, 21 है। तो स्कैंडियम की, मान लो हमसे पूछ ली जाए कि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, हमसे क्या पूछ लिया कि भाई स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो हमें एक बात पता चल गई, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है, 21 होता है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, तो 21 से पहले वाली जो नोबल गैस आएगी उसको पकड़ लो, तो 21 से पहले नोबल गैस कितने पे आएगी, 18 पे आएगी, और कौन सी आएगी, आर्गन आएगी, है ना, 18 पे कौन सी आएगी, आर्गन आएगी। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन ने फिल कर दिए,
18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन ने फिल कर दिए, बचे कितने देखो 18 फिल हो गए, तो बच कितने गए, सिर्फ 3 बच गए, तो 3 कहां भरे जाएंगे देखो 4s3d है ना। अब 3 भरने हैं तो s में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 ही आ सकते हैं इसमें, तो बचा एक, अब एक d में आ जाएगा अपना। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, इस लाइन की अगर हम कर सकते हैं तो नीचे वाले का पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया जाए, तो सिंपल है वो बढ़ाते जाओ, अपनी जो शेल है वो बढ़ाते जाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्कैंडियम की थी, अब मान लो इसकी पूछ ली जाए हमसे, तो देखो 21 22 और ये अपना 23 हो जाएगा। ठीक है, वैनेडियम की अपने से पूछ ली जाए तो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 में से सेम बिल्कुल सेम पैटर्न की 18 तो किसने भर दिए, आर्गन ने भर दिए। अब 18 आर्गन ने भर दिए तो बचे कितने, 5 बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। अब 5 कहां भरने अपने, देखो 4s और 3d 5 यहां पे भरने हैं। अब 5 में से 2 तो कौन उठा लेगा, अपना s उठा लेगा ना, इसकी तो कैपेसिटी ही 2 की है, तो 2 इसने उठा लिए तो 3 इसमें आ जाएंगे। ये सिंपल तरीके से हमने लिख दी, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब आपसे पूछ ली जाए देखो एक क्रोमियम की, अगर पूछ ली जाए देखो 1 2 3 4 मतलब ये है 24 एटॉमिक नंबर होगा। देखो आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमियम की बताओ भाई एटॉमिक नंबर कितना होगा, 24 होगा। अब बिल्कुल सेम पैटर्न देखो, 18 तो कौन कर देगा, आर्गन कर देगा। अब 18 आर्गन ने कर दिए पूरे, तो कितने बच गए, 6 बच जाएंगे, तो किसमें भरने अपने, 4s और 3d। अब 6 में से क्या है, 6 में से s की कैपेसिटी कितनी है, 2 की है, 4s2 और 3d4। ये सिंपल तरीके से हो जाएगी और आपको एग्जाम में मिलेंगे 0 नंबर, और ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ते हैं अपना जो भी पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग है ना, उस सब में हम देखते हैं कि फुल्ली फिल्ड कंडीशन एंड हाफ फिल्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अपने क्या है, ये अपने पी सब शेल के ऑर्बिटल्स है ना, पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब ये इसकी मान लो, ये इसकी क्या कंडीशन है, हाफ फिल्ड कंडीशन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होती है, नॉर्मल से ये ज्यादा स्टेबल होती है। फुल्ली फिल्ड कंडीशन क्या होगी इसकी, कि सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, ये फुल्ली फिल्ड कंडीशन है, ये भी नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल है। इधर हम मेनली डी की बात कर रहे हैं, तो डी का देख लेते हैं भाई, डी में कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। देखो ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं, तो इसकी हाफ फिल्ड कंडीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, तो ये हाफ फिल्ड कंडीशन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। फुल्ली फिल्ड क्या होगी, सब में क्या है, सब ऑर्बिटल में 2-2 आ जाए, तो ये फुल्ली फिल्ड कंडीशन, ये भी ज्यादा स्टेबल है। तो एक बात पता चल गई कि भाई हाफ फिल्ड कंडीशन और फुल्ली फिल्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहां पे ध्यान दो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन डी में एक और मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, जो ये एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको दान में दे देता है, डोनेट कर देता है। तो इसकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो आर्गन तो सेम रहेगा, 4s में कितने रह जाएंगे, 1 हो जाएंगे क्योंकि इसको दे दिया, और ये 3d अब 5 हो जाएगी, है ना, 5 मतलब हाफ फील्ड यानी ज्यादा स्टेबल, है ना। 5 3d 5 और 3d 10 क्या होंगी, ज्यादा स्टेबल होगी, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऐसी ही चीज एक को देखने को मिलेगी अपनी इसमें, कॉपर में भी देखने को मिलेगी। देखो कॉपर में क्या है, यहां पे आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 29 आपको मिलेगा। अगर यहां पे अपने को कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो 29 क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन से कितने फिल हो गए, 18 फिल हो गए। आर्गन से 18 फिल हो गए, बच कितने गए, 11 बच गए, 11 बच गए। अब 11 में से हम करेंगे क्या कि 4s2 कर देंगे और 3d9 कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। वही सेम चीज है कि 9 है, अगर यहां 10 हो जाते तो मजा आ जाता, 3d फुल्ली फिल्ड हो जाता, है ना। तो होता क्या है, ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसकी तरह है, बस क्या है, 4s1 हो जाएगी और 3d की यहां पे 5 था हाफ फील्ड, यहां पे 10 हो जाएगी। तो क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खास बात होती है, याद रखेंगे, सुपर हिट क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब एक बात और देखो, यहां पे देखो जैसे इसमें 3d3 था, अब 3d3 कैसे बनेगा, 3d3 कैसे बनेगा, देखो ये अपना मान लो डी सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। 3d1 देखो, 3d1 से देखते हैं, 3d1 कंडीशन कैसी बनेगी, ये 3d1 कंडीशन है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3d2 कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, 3d2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3d3 कैसी बनेगी, ये है अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन। 3d4 3d5 हाँ, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसमें 2 और भर दे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 और भर दे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 और भर दे तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट 1 और भर दे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक और भर दे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम के पास पाए जाएंगे। किसके पास नहीं पाए जाएंगे, तो देखो ये वाला है ना, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनमें क्या होगा, कैसी कंडीशन हो जाएगी, देखो इनमें आप कॉन्फिगरेशन निकालोगे कैसी कंडीशन हो जाएगी, इनमें हो जाएगी आपकी 4s2 3d10, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। मान लो ये मैंने तो जिंक का एग्जांपल बताया है, नीचे वाले में भी क्या सी कंडीशन हो जाएगी, s2 एंड d10, मतलब क्या है, s ऑर्बिटल भी पूरा भरा है, d ऑर्बिटल भी पूरा भरा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना। यहां से भी बहुत चीजें अपनी बनेंगी, देखो मैं चैप्टर का बेस तैयार कर रहा हूं, आगे इन्हीं से अपनी चीजें आएंगी। मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ये वाला जो यहां पे आपको दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, समूह, है ना, समूह क्या बोलते हैं हिंदी में, समूह, झुंड जो दिख रहा है, इनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाई साहब नहीं है, है ना, क्यों, क्योंकि इनके पास s2 और d10 कंडीशन आ चुकी है, इसीलिए क्या है, इनको बाकी एलिमेंट से अलग ही रखा जाता है, बोला जाता है कि यार तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम अलग ही हो ना, बाकी के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शामिल नहीं किया जाता, है ना। यहीं से अपना मेन चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो हम बेस तैयार कर रहे थे, ठीक है, हम अपने चैप्टर का बेस बना चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेन चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। देखो एक बात मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ये अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मेन है उनमें से झुंड से अलग निकल गए थे, कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्यों निकल गए थे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो बहुत स्टेबल होती है ना, इसमें d10 होता है, d10 मतलब फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसको आप हिलाओगे तो वो हिलेगा नहीं, देखो d10 क्या है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल मतलब बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी है, मतलब उसको आप छेड़ोगे तो वो छिड़ेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये चीजें बहुत काम आएंगी जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, बट जो झुंड से अलग निकल गए थे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनको नॉन ट्रांजिशन, बाकी के सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये झुंड से अलग निकल गए, ये है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नियरली ऑल आर टिपिकल मेटल, लगभग सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, यहां पे स्पेशल क्वेश्चन यही बनेगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी। अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब इनसे, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, सबको पता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी s इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम होगी इतनी। अब इस चीज को अपने को समझना पड़ेगा कि ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या चक्कर है। देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, s इलेक्ट्रॉन्स। देखो फॉर एग्जांपल किसी में, देखो किसी की कॉन्फ़िगरेशन है ये 4s2 3d3, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसी की, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, s इलेक्ट्रॉन। अब s के कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम हो जाएगी 2 हो जाएगी। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, s इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। अब देखो अनपेयर्ड d कितने बनेंगे, 3d3 में ये d बना लेते हम, ठीक है, ये अपना D बन गया, ठीक है, तो 3d3 में कितने अनपेड होंगे, 1 2 3, तीन तो हो जाएंगे D के अनपेड, प्लस S के कितने होते हैं, S के तो 2 हमेशा रहेंगे, तो मैक्सिमम हो जाएगी S इलेक्ट्रॉन अनपेड D इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, है ना, अलग कलर का ले लेते हैं। मान लो किसी की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d7, ठीक है। अब इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, S इलेक्ट्रॉन जो कितनी है, 2 है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है, S प्लस अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड D देख लेते हैं, इसके 3d7 में कितने बनेंगे, 3 4 5, ठीक है, तो अनपेड देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेड कितने हैं इसमें, 3 है, 3 प्लस S को कर दो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगी, तो इसके मिनिमम होगी 2, मैक्सिमम हो जाएगी क्या, 5, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी।
ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेंगे, ये वाले अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +8 है, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, स्कैंडियम अपना सिर्फ +3 में रहता है, स्कैंडियम ये पूरा ही जुगाड़ी हिल गया, ठीक है। तो स्कैंडियम अपना सिर्फ +3 में रहता है और जिंक सिर्फ +2 में रहता है, ठीक है। मिनिमम हमने देख ली, मैक्सिमम हमने देख ली, हाईएस्ट देख ली, और क्या है, स्कैंडियम और जिंक ये सिर्फ +3 में रहेगा, ये सिर्फ +2 में रहेगा। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मैं बोला था बार बार की अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इनको तो हमने छोड़ दिया, चलो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तीन में झुंड से अलग हो गए थे, पर बाकियों में बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी वाले अपने ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, फिर से वही बात है, कम होगा किसके लिए, जिंक कैडमियम मरकरी की, मरकरी में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्यों, क्योंकि इनमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ना, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है, तो लो है ना, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकियों में तो उनका हाई है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, देखो मैं बार बार बोल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ में आएगी सारा चैप्टर ही खुल जाएगा, बार बार से वही अनपेड इलेक्ट्रॉन की बातें आएंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो पैरा मैग्नेटिक कौन से होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो यह फॉर्मूला होता है, अब एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड से, ये इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनाते हैं, देखो इसको हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप समझ लेना, इसको पढ़ लेना, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो ये मान लो कोई मेटल है अपना, मान लो कॉपर है, ये अपने कॉपर के एटम है, ठीक है, ये अपने कॉपर के एटम है। अब कॉपर के एटम के बीच, कॉपर क्या है अपना मेटल है, तो मेटल के बीच में छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ पे ट्रैप हो जाएं, छोटे छोटे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बोरोन, कार्बन, छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ पे ट्रैप हो जाएं, ये अपना क्या था, कॉपर था, ये अपना कॉपर है, ये अपना कॉपर है, ये अपना कॉपर है, ये अपना कॉपर है, ठीक है। इनके बीच में छोटे छोटे एलिमेंट ट्रैप हो जाएं, हाइड्रोजन बोरोन एक तरीके से इंप्योरिटी ही है, तो इनको बोलते हैं हम क्या, इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स बोलते हैं, इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स इनको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है इंटरस्टीशियल कंपाउंड की, कि इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्या है, हार्डर होते हैं, मतलब प्योर, अगर प्योर कॉपर की बात करते, देखो मैं फिर से वहीं आप पे आता हूं कि प्योर कॉपर की बात करते तो उससे ज्यादा हार्डर है अगर इसके बीच में छोटे छोटे एलिमेंट आ जाएं, ट्रैप हो जाएं, ठीक है। तो ये है इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो हमने बात की थी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है ना, जैसे मैंगनीज ही है तो मैंगनीज +2 भी शो कर सकता है, +7 भी शो कर सकता है, तो इस तरीके से है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। वेकेंट ऑर्बिटल है डी में, देखो मान ले किसी के डी में 3 ऑर्बिटल वेकेंट है, किसी के 2 वेकेंट है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वहां पे ना जगह रहेगी तो वो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एडसॉर्प्शन पावर है, मेटल है, मेटल के सरफेस पे क्या है, एडसॉर्प्शन हो सकती है ना, कैटालिसिस, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी अपना आता है। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन, देखो एलॉय जो मैक्सिमम होते हैं ना अपने, वो यहीं से बनते हैं, मेटल से ही तो बनते हैं, कॉपर, निकल है ना, क्रोमियम, आयरन, इन्हीं से तो बनते हैं, तो एलॉय फॉर्मेशन में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अच्छा खासा रोल रहता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, लेंथेनोइड्स आते हैं और एक्टिनोइड्स आते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अब देखो लेंथेनोइड्स कौन से होते हैं, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, और एक्टिनोइड्स कौन से होते हैं, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम करते हैं पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स दोनों के लिए कॉमन है, या दूसरी भाषा में बोल लूं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स दोनों ही शो करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बोथ शोज +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बोथ शोज +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मतलब खुद क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसीलिए दूसरे को कर देंगे रिड्यूस, और दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली कटायंस ऑफ बोथ आर कलर्ड, ठीक है, एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स के जो कटायंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कटायंस विद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक, ये तो कॉमन सेंस जीके की बात है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन, देखो हमने सुना ही है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, तो दोनों ये कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है।
देखो अभी अभी हमने कवर किए लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स के बीच में पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस, दोनों के कॉमन प्रॉपर्टीज। अभी हम करते हैं लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड के बीच में डिफरेंस। देखो अदर देन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री तो क्या थी, दोनों की कॉमन थी। अदर देन प्लस थ्री क्या है, लेंथेनोइड शो करते हैं प्लस टू एंड प्लस फोर, और यहां पे प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। देखो इनकी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, पहले एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं, फिर डिफरेंस की आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेस। ठीक है, जो लेंथेनोइड्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और ये वाले मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, लेंथेनोइड्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, लेस बेसिक और इसके मोर बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट कि जो लेंथेनोइड्स होते हैं वो ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव। ठीक है, ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट पीएम, और इधर सारे के सारे एक्टिनोइड्स क्या हैं, रेडियोएक्टिव। अब देखो ट्रिक देखो, देखो लेंथेनोइड जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एल से, एल फॉर लेंथेनोइड और एल फॉर लेस। लेस मतलब यहां पे सब कुछ कम है, सब कुछ लेस है। लेस मतलब देखो ये प्लस टू प्लस फोर लेस है किससे, प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ये थोड़ी ऊपर को जा रही है और ये लेस है। ये इधर देखो एल फोर लेस, एल फोर लेंथेनोइड, ये भी लेस है और ये भी लेस बेसिक। और इनमें ऐसे पॉइंट इसको याद से याद रखना कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इनमें लेस है इसलिए नॉन रेडियो एक्टिव है, और इनमें रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है तो ये सारे रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं डी ब्लॉक के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना जिस तरीके से, उसी तरीके से आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, पर आप एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, देखो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला क्या है, KMnO4। अब KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस सेवन। अब देखो प्लस सेवन से ज्यादा तो ये जा नहीं सकता ना, मैक्सिमम है प्लस सेवन, मतलब इससे कम ही जा सकता है। तो इससे प्लस सेवन से जब ये मैग्नीज कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस और दूसरों को कर देगा ऑक्सीडाइज, और इसीलिए क्या है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंफ्यूजन आती है पर मैग्नेट आयर और मैग्नेट आयन। देखो ये है KMnO4, मतलब ये पोटेशियम प्लस यहां से जाएगा तो क्या बचेगा, पर मैग्नेट आयन, और मैग्नेट आयन क्या होता है, अगर यहां पे होता K2MnO4 तो क्या होता, MnO4 माइनस टू, ये होता है मैग्नेट आयन। अब इसमें से जो सुपर हिट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है ये। देखो ये है KMnO4 प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज। अब देखो इसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीज प्लस सेवन से चला जाएगा प्लस टू में, और न्यूट्रल में क्या जाएगा प्लस सेवन से प्लस फोर में, और बेसिक मीडियम में क्या होगा प्लस सेवन से प्लस सिक्स में चला जाएगा। क्लियर बात है, तो ये बात तो क्लियर है कि हर हर केस में प्लस सेवन से कम ही जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा, मतलब तीनों केस में किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है ना। अब देखो इनको याद कैसे करना है ना, इनको बार बार भूल जाते हैं, तो न्यूट्रल का सिर्फ याद रखना, न्यूट्रल का याद रखना प्लस फोर, है ना, ऐसे लगा लो कि ये पीएच है, ये पीएच है प्लस फोर। अब चार में से दो माइनस कर दो, इधर चार में दो प्लस कर दो, इधर चार में से दो माइनस कर दो टू, इधर चार में दो प्लस कर दो सिक्स। ठीक है, और ये अगर आपको भूल जाए तो ऐसे याद रखना, ये क्या है पीएच है। अब पीएच कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक है, पीएच बढ़ेगी तो बेसिक है, और ये क्या है अपना न्यूट्रल ऑलरेडी था हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसके बाद है K2Cr2O7, इसमें सबसे अच्छी याद रखने की चीज है ये वाली। देखो ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, इनको देखो इनको ये सिंपली क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद चला जाएगा क्रोमियम प्लस थ्री जिसका कलर है ग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इसका ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आता है, इसको जरूर जरूर याद कर लेना, याद कर लेना, कुछ भी ना समझ आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है।